ओके जनाब, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की क्लास का हम बाकायदा आगाज़ करते हैं। हमारे पास काफ़ी सारे लोग आज मिसिंग लग रहे हैं मुझे क्लास में से, बट खैर हमने 10 मिनट उनके लिए वेट किया है, हम मज़ीद वेट नहीं करेंगे। और हम यहाँ पे एक नया फोल्डर बना लेते हैं आज की क्लास के हिसाब से, उसका नाम रखते हैं क्लास 3। अच्छा, कल की क्लास का अगर ओवरव्यू मैं थोड़ा सा आपको बताऊँ, तो कल की क्लास में हमने क्या किया था कि हाइट वीडियो पैनल, नो हाइट वीडियो पैनल नहीं करना था मुझे, करना था हाइट नेम एंड एनोवेशन फ्लोटिंग मीटिंग कंट्रोल। ठीक है जी, तो मैंने अपने पास से ना कंट्रोल ख़त्म कर दिए, जो हमारे पास दो इस वक्त को होस्ट मैंने बना दिए हैं, एक सलील को बना दिए, एक अरीबा को बना दिया। तो काइंडली आप लोग ना, जो भी लोग एडमिट मीटिंग में एंटर हो रहे हैं, उनको एडमिट वगैरह आप लोग देख लें। ठीक, डन। अच्छा जी, ताकि ना मुझे थोड़ा सा यहाँ पे एक रिलैक्सेशन रहे कि मैं सिर्फ कोड पे तवज्जो दे सकूँ। थैंक यू सो मच। अच्छा जी, तो कल की क्लास का अगर हम ओवरव्यू लें कि कल की क्लास में हमने क्या किया था, तो हमने एक ऐसा प्रोग्राम बनाया था जिसमें इनपुट आ रहा था यूज़र की तरफ से, और हम उसको कुछ प्रोसेस कर रहे थे और उसको हम रिटर्न कर रहे थे। अच्छा, आज हम इनपुट लेने का एक मुख्तलिफ तरीका हम डिस्कवर करते हैं कि इनपुट किस तरह से और लिया जा सकता है। तो मैं क्लास 3 में आ जाता हूँ। क्लास 3 में आकर मैंने कहा index.html, और मैंने बेसिक HTML क्रिएट किया यहाँ पर। उसके बाद मैंने कहा कि जनाब H1 इनपुट मेथड, न्यू इनपुट मेथड, इस क्लास में हम न्यू इनपुट मेथड देख रहे हैं। अच्छा, सबसे पहले तो वही वाला कोड एग्जैक्टली मैं लेकर आ जाता हूँ यहाँ पे, जो हमने पहले क्लास में किया था, और वो कोड था एग्जैक्टली ये स्क्रिप्ट। ठीक है, एक अदद जावास्क्रिप्ट का कोड है हमारे पास, जिसमें क्या लिखा हुआ है, वेरिएबल फर्स्ट नेम, उसमें हम कुछ ना कुछ इनपुट लेते हैं, और उसको हम हेलो लगाकर स्टार्ट में उसके वापस से अलर्ट करवा देते हैं। अच्छा, आज हम सबसे पहला काम जो करेंगे, हम इनपुट का एक मुख्तलिफ तरीका सीखेंगे और आउटपुट का भी एक मुख्तलिफ तरीका सीखेंगे। अच्छा, तो इस कोड को मैं यहाँ पे कमेंट कर देता हूँ, और इसके नीचे मैं बनाता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, इनपुट 1 डॉट वैल्यू। ठीक है जी, और इसको मैं इसी तरह से फर्स्ट नेम में इनपुट ले लेता हूँ। अच्छा जी, और मैं यहाँ पर बना देता हूँ एक अदर इनपुट। ठीक है, हो सकता है आपको कोड समझ में ना आ रहा हो, मैं कंप्लीट कर लूँ एक दफ़ा कोड, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा एक एक लाइन की कहाँ पे क्या लिखा हुआ है। अच्छा, और मैंने कहा आईडी इनपुट 1। ठीक है जी, परफेक्ट। बटन ओ ग्रेट ये इनपुट आ चुका है मेरे पास, इसको मैंने प्रोसेस किया और अलर्ट करवा दिया।
अच्छा, अब इस लाइन में नोट कीजिएगा आप कि ये कोड बिल्कुल पहले ही जैसा है, लेकिन इनपुट लेने वाली लाइन थोड़ी सी इसके अंदर मुख्तलिफ है। अच्छा, मुख्तलिफ क्या है कि ये इनपुट ले रहा है डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। डॉक्यूमेंट के अंदर किसी एलिमेंट में से इनपुट लिया जा रहा है, ठीक है, और जिस एलिमेंट की आईडी है इनपुट वन और डॉट वैल्यू। अच्छा ठीक है जी, बाकी नीचे का कोड बिल्कुल उसी तरह है। फर्स्ट नेम में मुझे एग्जैक्टली पता है कि मेरे पास एक इनपुट आएगा, वो किस किस्म का होगा, वो क्या होगा, वो भी देखते हैं। अच्छा, उसके अलावा हमने अपने HTML के डॉक्यूमेंट में, जैसा कि हमने पिछली क्लास में एक सिर्फ हेडिंग लगाकर देखी थी, उसमें हमने कुछ नए मार्कअप्स ऐड किए हैं। ठीक है, एक मार्कअप हम H1 पहले ही देख चुके हैं कि H1 लगाने से क्या होता है, जिस भी टेक्स्ट के साथ हम H1 लगा दें वो टेक्स्ट क्या होता है, बड़ा सा बन के हेडिंग बन के नजर आ जाता है। ठीक है, और अगर H1 की जगह हम कुछ और लगाएंगे तो जो उस मार्कअप का मतलब होता है वो बन जाएगा। अच्छा, तो इसी के अंदर एक मार्कअप है इनपुट। अच्छा, इनपुट जो मार्कअप है वो क्या करता है कि आपको एक टेक्स्ट बॉक्स स्क्रीन पे बनाकर दिखाता है। ठीक है, अच्छा, वो टेक्स्ट बॉक्स में यूजर जब क्लिक करता है तो वो उसके अंदर कुछ भी लिख सकता है। ठीक है, इसी तरह एक मार्कअप है बटन। बटन का मार्कअप क्या करता है, आपको एक क्लिकेबल बटन बनाकर देता है स्क्रीन पर। ठीक है, और हमने साथ में ये भी लिखा कि ऑन क्लिक, जब इस बटन पे क्लिक किया जाए तो क्या हो, एक फंक्शनैलिटी परफॉर्म हो जिसका नाम हमने रखा है ग्रीट। ठीक है, यहाँ पे हमने कहा एक फंक्शनैलिटी क्रिएट की जाए जिसका नाम है ग्रीट। तो जैसे ही इस बटन पे क्लिक होगा ये फंक्शनैलिटी चल पड़ेगी। ठीक है जी, और ये फंक्शनैलिटी जैसे ही चलेगी तो जब ये कोड चलेगा मेरा, उससे पहले मेरा ये कोड नहीं चलेगा। अच्छा, इसको मजीद समझने के लिए हम इसको अपने ब्राउजर में ओपन कर लेते हैं। ठीक है, ये मैंने इसको अपने ब्राउजर में ओपन कर लिया, इसको थोड़ा सा जूम इन कर लेता हूँ मैं। अच्छा, मैंने इसमें कहा मलिक एंड को, हेलो मलिक यहाँ पे लिखा हुआ प्रिंट हो गया। अच्छा, तो हमने इस कोड के अंदर क्या सीखा कि इनपुट लेने का एक मुख्तलिफ तरीका, एक नया तरीका। ठीक है, आमतौर पे आपने जितनी भी वेबसाइट्स देखी होंगी उसमें इनपुट इसी तरह का होता है, उसमें अलग जो प्रॉम्प्ट वाला तरीका हमने लास्ट सीखा था वो बिल्कुल बेसिक है, प्रॉम्प्ट वाला तरीका सीखने के एतबार से आसान है, इसलिए हमने पहले चूज किया था कि पहले हम वो सीखें। ठीक है, लेकिन अब हम एक क्लास हमारी हो चुकी है, अब हमारी सेकंड क्लास है, तो हम थोड़ा सा अब एडवांस चीज़ों की तरफ मूव होते जा रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। अच्छा, तो सबसे पहली एडवांस चीज़ क्या है कि अब हम जो भी इनपुट लेंगे वो मार्कअप के जरिए लेंगे। अच्छा, आपको शायद कि कुछ लोगों को ये भी क्यूरियोसिटी हो रही हो कि अच्छा भाई, हमने अभी तक तीन मार्कअप तो सीख लिए कि H1 सीख लिया, इनपुट सीख लिया, बटन सीख लिया, तो क्या मार्कअप और भी होते हैं, इसके अलावा भी होते हैं? ठीक है, तो मैं आज की क्लास में इंशाल्लाह आपको एक लिस्ट, एक डॉक्यूमेंट रेफर कर दूंगा, उसमें जितने भी मार्कअप्स होते हैं HTML में उन सब की आपको एक लिस्ट मिल जाएगी। ठीक है, तो वहां पे से आप जाके मुख्तलिफ मार्कअप्स को आप ट्राई भी कर सकते हैं कि भाई और कौन कौन से मार्कअप्स होते हैं और वो क्या काम करते हैं। अच्छा जी, तो अब हम वापस अपने कोड में जाते हैं और इसको लाइन बाय लाइन समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले मैंने इनपुट का जो मार्कअप लिखा, इसमें मुझे बताना पड़ेगा कि इसकी टाइप क्या है। अच्छा, ये टाइप मैंने अभी इसमें टेक्स्ट रखा है। ठीक है, तो टेक्स्ट रखने की वजह से आप देखें मैं इसमें ABCD और नंबर सब कुछ लिख पा रहा हूँ, टेक्स्ट में जो जो होता है, इवन स्पेशल कैरेक्टर्स वगैरह भी इसमें मैं लिख पा रहा हूँ। ठीक है, इसमें मैं नंबर भी कर सकता हूँ। ठीक है, नंबर जब मैं कर दूंगा तो फिर मुझे इसको रिफ्रेश करना पड़ेगा मुझे। ठीक है, रिफ्रेश कर दिया मैंने, तो आप नोट कीजिए ये ऊपर नीचे का एक इसमें एरो बनकर आया है। ठीक है, और अब मैं इसमें 1 2 3 के अलावा अगर मैं मलिक लिखने की कोशिश करूं तो वो मुझे नहीं लिखने देगा। ठीक है, मैं जस्ट इसमें नंबर ही लिख सकता हूँ। अच्छा, इसमें नंबर के अलावा और क्या क्या लिखा जा सकता है वो भी आपको साथ वाला कोड भी समझा दें, क्वाइट अ बिट लॉस्ट विद दैट। अच्छा यार, काइंडली अगर आपका कोई सवाल हो ना तो आप ना हैंड रेज करें, इसमें हैंड रेज का फीचर अच्छा है, तो मैं क्या करूँगा फिर उनका सवाल लूंगा। ठीक है, नॉट साथ वाला कोड कौन सा था, कौन से वाले की बात करें मुझे ये भी नहीं समझ आया। फिर तो आप ना काइंडली जिनका भी सवाल है वो हैंड रेस करके रखें, मैं आपका सवाल फिर लूंगा इंशाल्लाह।
मलिक भाई, और एक सजेशन, आप कीबोर्ड शॉर्टकट जब इस्तेमाल करते हैं, सो यू कैन शो इट टू अस बाय गोइंग टू योर प्रोफाइल एक्सेसिबिलिटी एंड शेयरिंग द कीबोर्ड शॉर्टकट. सो एसेंशियली व्हेन यू यूज कीबोर्ड शॉर्टकट्स, वी सी व्हाट दैट कीबोर्ड शॉर्टकट इज. अभी करने की जरूरत नहीं, अगली बार कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको बता सकता. अच्छा मुझे अभी तो नहीं समझ आ रहा कि वो कहाँ पर ऑप्शन आता है, बट जस्ट इन केस आप जो है ना, जब भी मैं कोई शॉर्टकट यूज़ करूँ और आपको पता ना चले कि ये क्या शॉर्टकट है, तो आप हैंड रेज कर सकते हैं, ठीक है। और सलील भाई, आप तो मुझसे डायरेक्टली पूछ सकते हैं, आपका मसला नहीं है। आप माइक ऑन करके मुझसे डायरेक्ट पूछें कि सर आपने ये कौन सा वाला यूज़ किया, तो मैं आपको उसी वक्त बता दूँगा। एक्चुअल में क्या है ना कि जो शॉर्टकट्स हैं वो सारे इसमें लिखे हुए भी हैं। यू कैन व्यू एडिट, ठीक है, ये मैंने मैसेज देख लिया आपका, मैं इसको तलाश कर लूँगा। इसमें जितने भी शॉर्टकट्स हैं ना, वो सारे इसमें मेंशन भी होते हैं, ठीक है। तो जस्ट आप मुझसे पूछेंगे ना कि ये आपने क्या किया है, जैसे फॉर्मेट डॉक्यूमेंट मेरे हाथ पे फिक्स है, तो मिसाल के तौर पर आपने कोई भी कोड लिखा ना, तो आप कहते हैं कमांड शिफ्ट और एफ, ओ सॉरी 1 मिनट, मेरे वो मसल मेमोरी में, मुझे याद भी नहीं है देखो क्या है वो। हाँ ऑप्शन शिफ्ट एफ है वो, ठीक है, ऑप्शन शिफ्ट एफ है वो। तो क्या होता है कि आप यहाँ राइट क्लिक करते हैं ना कोड में किसी भी जगह पे, तो यहाँ पे फॉर्मेट डॉक्यूमेंट का शॉर्टकट आपको दिख रहा होता है। तो आप अगर मैक मशीन पे हैं तो मैक का शॉर्टकट यहाँ पे होगा, अगर विंडोज पे हैं तो विंडोज में आ रहा होगा। विंडोज में आई एम नॉट श्योर, बट अल्टर शिफ्ट एफ है आई थिंक। तो यहाँ पे आप वो राइट क्लिक करके ना उसको देख सकते हैं किस जगह पे क्या आ रहा है। तो इससे क्या होता है कि आप जैसे कोड आगे पीछे हो जाता है आपका लिखते हुए, तो आप ये करते हैं तो आपका कोड सीधा हो जाता है, इंडेंटेशन हो जाती है इसके अंदर। कमेंट सर, किसी का जी सवाल है कि ना ग्रीन कोड मतलब क्या कर रहे हैं ना, प्रॉम्प्ट मारना, हम प्रॉम्प्ट लेते हैं मतलब यूजर से लेते हैं हम कुछ, तो ये सवाल है किसी का सवाल आया है, सैयद आई थिंक, सैयद कुछ नाम है इनका, तो अच्छा देखिए, इनका प्रॉम्प्ट सवाल का, है सैयद प्रॉम्प्ट को तो हम इस क्लास में डिस्कस नहीं मोहम्मद। करेंगे. प्रॉम्प्ट हम लास्ट क्लास में बड़ी डिटेल में देख चुके हैं. अगर आपने वो नहीं लिए क्लास, तो आप काइंडली वो वाली क्लास की रिकॉर्डिंग आप देख लें. प्रॉम्प्ट तो हमने इतनी डिटेल में किया था, अभी दोबारा रिपीट करेंगे फ़ायदा नहीं होगा, बाकी लोगों का टाइम लगेगा बिला वजह के. अच्छा तो खैर, हम आगे बढ़ते हैं. अभी फंक्शन के बारे में हम जा रहे हैं. अच्छा काइंडली चैट में ना लिखें, आप अपना हैंड रेज करें, मैं आपको क्वेश्चन लेने की कोशिश करूंगा. रिकॉर्डिंग मैंने ग्रुप में शेयर कर दी थी. एक दोस्त कह रहे हैं कि रिकॉर्डिंग कहाँ से मिलेगी. रिकॉर्डिंग भाई साहब मैंने ग्रुप में शेयर कर दी थी, एक लिंक बना के भेजा था, यूट्यूब पे अपलोड कर दी मैंने फिलहाल के लिए. अच्छा तो मैंने जैसे इनपुट बनाया और इनपुट में टाइप मैंने नंबर दिया, तो आपने देखा कि एक ऐसे किस्म का इनपुट बना हुआ आ गया जिसके अंदर क्या होता है कि सिर्फ हम नंबर टाइप कर सकते हैं, कोई और दूसरी चीज टाइप नहीं कर सकते. कैन वी आस्क दिस क्वेश्चन एट द एंड? सो यस, यू कैन आस्क क्वेश्चन एट द एंड. 15 मिनट लास्ट के जो है, मैं क्वेश्चन लेने की कोशिश करूंगा हर क्लास में, और जिसके भी क्वेश्चन है वो मुझसे लास्ट में सारे बातें पूछ सकता है. ओके, अ 2 आवर क्लास हैव अ लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस. अच्छा तो काइंडली मैं ना आपकी चैट बंद कर रहा हूँ, क्योंकि इससे ना मुझे डिस्टरबेंस हो रही है थोड़ी. चैट मैंने बंद कर दिया आपकी, ठीक है. आप हैंड रेज करें और देन जब मैं आपको कहूँ कि जी प्लीज़ अपना क्वेश्चन बोलें, तो आप माइक ओपन करके अपनी बात करें. अच्छा तो हमने बात कर रहे थे इनपुट के मार्कअप की. इनपुट के मार्कअप में टाइप हमने देखा कि इसमें टेक्स्ट हो सकती है या टाइप नंबर भी हो सकती है, और भी काफ़ी सारे इसके टाइप्स हैं जिसके बारे में अभी हम बात नहीं कर रहे, ठीक है. तो मैंने जस्ट कहा कि भाई नंबर, ठीक है, नंबर मैंने कह दिया कि भाई तुम नंबर हो टाइप. अच्छा उसके बाद एक आइडेंटिफिकेशन नंबर है इसका, ठीक है. एक आइडेंटिफिकेशन हर मार्कअप को हम चाहें तो दे सकते हैं. अच्छा H1 जैसे मार्कअप है, मैंने इसको कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं दी, कोई आईडी इसको पास नहीं की है मैंने, क्योंकि मुझे इसको बाद में इसमें से वैल्यू नहीं उठानी है, ठीक है. ऑन अदर हैंड जो इनपुट का मार्कअप है, ये मुझे एक इनपुट बॉक्स बना के देता है, और जब बटन पे क्लिक हो तो मैं ये चाहता हूँ कि मैं उस इनपुट को उसमें से उठा के अपनी जावास्क्रिप्ट में ले आऊँ, ठीक
ठीक है, तो इस तरह का जब मुझे कुछ काम करना होता है तो जाहिर है इतने सारे मार्कअप्स में से उसको कैसे पहचानेगा वो कि भाई कौन से वाले इनपुट बॉक्स में से, क्योंकि इनपुट बॉक्स 3, 4, 5 बहुत सारे इनपुट बॉक्सेस हो सकते हैं, तो वो उसको कैसे पता चलेगा कि भाई कौन सा इनपुट बॉक्स की बात हो रही है। तो हमें हर इनपुट बॉक्स को क्या करना होता है, एक अदद आइडेंटिफिकेशन नंबर प्रोवाइड करना होता है, ठीक है। और हम बाद में क्या कर सकते हैं कि उस आइडेंटिफिकेशन नंबर के जरिए उस इनपुट बॉक्स की हम वैल्यू गेट कर सकते हैं, ठीक है जी। तो मैंने कहा कि चलो मुझे 2 इनपुट चाहिए, ठीक है, मुझे 3 नहीं चाहिए, मुझे 2 इनपुट चाहिए, 2 इनपुट है, और इस वाले लास्ट वाले को मैंने कह दिया कि सम, ठीक है, input 1 input 2 दोनों की टाइप मैंने रखी नंबर, ठीक है। input 1 की वैल्यू मैं input 1 से उठाऊंगा, input 2 की वैल्यू मैं input 2 से उठाऊंगा, ठीक है जी। अच्छा, ये काम मैंने किया कैसे, यहां पर आप आके देखें, मैंने कहा कि फर्स्ट नंबर, सही है जी, सेकंड नंबर, ठीक है। अच्छा, और मैंने कहा input 1 input 2, ठीक है जी। तो मैंने यहाँ पे कैसे कहा, मैंने कहा डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट का मतलब क्या है, डॉक्यूमेंट का मतलब है HTML का वो डॉक्यूमेंट जो ओपन हुआ है, ठीक है। डॉक्यूमेंट का मतलब क्या है कि HTML का वो डॉक्यूमेंट जो ओपन हुआ है उसकी बात हो रही है। उसमें से मैंने कहा कि गेट करो एक एलिमेंट जिसकी ID है input 1, ठीक है, गेट एलिमेंट बाय ID input 1। अच्छा, हमारे पास input 1 के नाम से कौन सा एलिमेंट है, ये एलिमेंट है। जब मैं ये वाला कोड लिखूंगा गेट एलिमेंट बाय ID input 1, इतना कोड जब एग्जीक्यूट होगा तो क्या होगा कि ये वाला एलिमेंट मेरे पास उठ के आ जाएगा पूरा। अच्छा, मैंने कहा डॉट वैल्यू कि भाई उसकी क्या कर दो, डॉट वैल्यू उठा कर ले। अच्छा, तो जब मैं इतना सारा कोड लिखूंगा जो इस वक्त सेलेक्ट हुआ हुआ है तो क्या होगा कि मुझे रिटर्न हो जाएगी यहाँ पे वो वैल्यू जो भी यूजर ने टाइप की है, इनपुट वन के अंदर यूजर ने जो भी लिखा होगा वो चीज यहाँ पे रिटर्न हो जाएगी, जस्ट इन केस कि अगर यूजर ने 22 लिखा है तो यहाँ पे मुझे 22 मिल जाएगा लिखा हुआ, ठीक है जी। अच्छा, इसी तरह से मैंने एक दूसरा इनपुट बनाया है जिसका नाम मैंने रखा है इनपुट, उसकी भी टाइप मैंने नंबर ही रखा है और उसकी आइडेंटिफिकेशन में मैंने input 2 रखा है। अच्छा, ये बात जहन में रखिएगा कि आप एक ही आइडेंटिफिकेशन दो इनपुट्स को नहीं दे सकते, ठीक है, क्योंकि ऑब्वियस बात है बहुत, अगर आपने दोनों को input 1 दे दिया तो जब आप यहाँ पे खड़े होके कहेंगे कि भाई input 1 से वैल्यू उठा कर लाओ तो वो इस input 1 से लाएगा या इस input 1 से लाएगा, तो वो कंफ्यूज हो जाएगा, ठीक है, और आपको एरर भी आ सकता है इसकी वजह से। तो हम क्या करते हैं, हम एक आइडेंटिफिकेशन जो होती है यूनिक वो एक ही एलिमेंट को देते हैं और दूसरे एलिमेंट को हम सेम नहीं देते बल्कि अलग अलग देते हैं, ठीक है जी। तो हमने एक को input 1 दे दिया, ये यूनिक है पूरे HTML के अंदर, दूसरे को input 2 दे दिया, ये भी यूनिक है पूरे HTML के अंदर। अच्छा, तो मैंने ये input 1 से वैल्यू उठा के इस वेरिएबल में रख ली, input 2 से वैल्यू उठा के मैंने इस वेरिएबल में रख दिया। अच्छा, तो अब दो वेरिएबल में मेरे पास दो नंबर आ चुके हैं, ठीक है जी। तो मैं इन दोनों नंबर को क्या करना चाह रहा हूँ, प्लस करना चाह रहा हूँ। तो मैंने कहा भाई फर्स्ट नंबर प्लस सेकंड नंबर, ठीक है जी। तो फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर को प्लस करके मैंने रिजल्ट में रखा और रिजल्ट को मैंने क्या करवा दिया, अलर्ट करवा दिया, ठीक है जी, रिजल्ट को मैंने अलर्ट करवा दिया। और थोड़ा थोड़ा मिला लगे, अच्छा जी, सिक्योरिटी, अच्छा जी, मैं क्या कर रहा था, थोड़ी सी यहाँ पे जगह क्लियर कर रहा था। अच्छा, तो मैंने ऐसा कर दिया ताकि एक ही स्क्रीन पे पूरा कोड आ जाए। अच्छा, अब मैं वापस जाता हूँ अपने ब्राउजर की जाने, जहाँ पे रिफ्रेश कर दिया मैंने, आप नोट कीजिए, एक
इनपुट बॉक्स, दो इनपुट बॉक्स और तीसरे पे लिखा हुआ है सम, ठीक है। मैंने यहाँ पे लिखा 23 और यहाँ पे मैंने लिखा 4। तो अब जैसे ही मैं सम प्रेस करता हूँ तो मेरे पास एक अदद अलर्ट आना चाहिए जिसमें इन दोनों का सम होगा, ठीक है। तो करके देखते हैं जनाब। अच्छा, जैसे ही हमने सम का बटन प्रेस किया तो इसमें लिखा हुआ है 234, ठीक है। तो हमने क्या देखा, ये कॉनकैडिनेट हो गया आपस में। अच्छा, कॉनकैडिनेट किस वजह से हुए हैं, जैसा कि जब हम प्रॉम्प्ट में से इनपुट लेते थे तो प्रॉम्प्ट में क्या होता था कि जो यूजर है उस पर डिपेंड करता था कि वो क्या लिखे। हम उसको बावजूद उसके कि हम कह रहे हैं भाई एंटर अ फर्स्ट नंबर या एंटर अ नंबर, उसके बावजूद भी वो टेक्स्ट इनपुट कर सकता है, ठीक है। बट यहाँ पे हमारे पास क्या है कि हमारे पास वो टेक्स्ट इनपुट भी नहीं कर सकता, यहाँ पे वो सिर्फ नंबर एंटर कर पा रहा है। बट स्टिल चूंकि ये मार्कअप है, ठीक है, चूंकि ये मार्कअप है तो ये जो रोका गया बंदे को कि भाई आप नंबर एंटर करें, ये सिर्फ मार्कअप लेवल पर है। ये कोई ऐसा ऐसे सिक्योरिटी की चीज़ नहीं है जिसको बंदा स्किप ना कर सके, ठीक है। और इसी वजह से हम जब कोई टेक्स्ट बॉक्स बनाते हैं तो ये इनपुट बॉक्स जो होता है हमारा, ये क्या होता है, स्टिल एक टेक्स्ट बॉक्स रहता है, ठीक है। इसमें जस्ट आपका ब्राउजर आपको रोक देता है। अच्छा, कुछ ब्राउजर्स ऐसे हो सकते हैं जिनके अंदर आप उसकी टाइप नंबर लगा दें उसके बावजूद आपको वो नंबर के अलावा भी चीज़ें एंटर करने दे सकता है। कुछ ब्राउजर ऐसे हो सकते हैं जो कि मार्कअप को इतने अच्छे तरीके से नहीं समझ पाए हैं अगर कोई ब्राउजर, तो इसी वजह से आप जब नंबर कर देते हैं उसके बावजूद आपको जावास्क्रिप्ट में क्या मिल रहा होता है, ये टेक्स्ट मिल रहा होता है, ठीक है, ताकि डिपेंडेंसी आपकी ख़त्म हो जाए। अच्छा, तो अब इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, जैसा कि मैंने इस लास्ट वाले पे किया था, इनसे पहले मैं एक छोटा सा प्लस लगा दूंगा, ठीक है। मैंने यहाँ पे इसको प्लस लगा लिया तो क्या होगा, ये नंबर में कन्वर्ट हो जाएंगे अगर हो पाए तो, अगर नहीं हो पाए तो एरर आ जाएगा। अच्छा, अब मैं रिफ्रेश करता हूँ इसको और मैं दोबारा से कहता हूँ 22 और 4, ठीक है जी। तो अब ये 26 मुझे प्रॉपर इसने रिजल्ट दे दिया। अच्छा, तो ये तो हो गया जनाब इनपुट की बात कि हमने क्या किया, इनपुट इस तरह से ले लिया। अच्छा, ये कोड आपके पास सेव रहेगा। हम अब जितने भी टास्क करेंगे मजीद उसके अंदर हम इनपुट लेने का यही तरीका इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। हम वो प्रॉम्प्ट वाला तरीका इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो आपको सिंपल क्या करना है, एक इनपुट बॉक्स बनाना है यहाँ पर मार्कअप के जरिए, उसकी वैल्यू गेट करनी है यहाँ पर आपको जावास्क्रिप्ट के जरिए, ठीक है। उसमें आईडी डालेंगे आप, जिस आईडी से होगा उस आईडी से उठा कर ले आएगा। अच्छा, अब यही चीज मुझे आउटपुट के लिए भी करनी है, क्योंकि अलर्ट के जरिए जब आउटपुट आता है तो आप नोट कीजिएगा, इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ पेज को, मैंने कहा 22 और 7, ठीक है जी, 29। अब जब ये इसको मुझे माउस से जाके ओके करना पड़ता है, ये ब्लॉकिंग कोड है, यहाँ पे अगर मैं इस जगह पे क्लिक करूँ, सम के बटन पे क्लिक करूँ किसी जगह पे भी, तो ये काम नहीं करता, मेरा पूरा पेज फ्रीज हो जाता है जब तक मैं इसको ओके प्रेस ना करूँ, ठीक है। मोबाइल फोन पे भी और लैपटॉप के ऊपर भी मेरा पूरा पेज ये फ्रीज कर देता है, इसको मुझे ओके करना पड़ता है। ना सिर्फ ये मेरा पेज फ्रीज कर देता है बल्कि मेरे जावास्क्रिप्ट की जो कोडिंग है उसको भी फ्रीज कर देता है, ठीक है। इस तरह के कोड को हम कहते हैं ब्लॉकिंग कोड, और जावास्क्रिप्ट से अब इस तरह के कोडिंग्स को ख़त्म किया जा रहा है आहिस्ता। तो बहुत सारे ब्लॉकिंग कोड ऐसे थे जिनको ख़त्म कर दिया गया, अब ये कुछ एक दो रह गए उसको भी लोग अवॉइड करते हैं। तो हमने कुल मिला के ये देखा कि जो अलर्ट है उसका यूज़र एक्सपीरियंस भी अच्छा नहीं है, क्योंकि उसमें ओके करना पड़ता है माउस से जाके, और मतलब एस्केप दबा के वो ख़त्म नहीं होगा, जैसे अगर मैं चाहूँ कि एस्केप दबा दूँ, ठीक है, देखते हैं दोबारा से, एस्केप से ख़त्म नहीं होगा ये, ठीक है, इसको आपको ओके ही दबाना पड़ेगा। तो इसका यूज़र एक्सपीरियंस भी अच्छा नहीं है, और साथ में इसका जो प्रोसेसिंग की जो क्या उसको कहेंगे हम कि इतना एफिशिएंट भी नहीं है, एफिशिएंसी का भी इशू है, तो ये दोनों इशू हैं इसके साथ। तो अब हम अलर्ट को हटाना चाह रहे हैं तो हम क्या करेंगे, हम एक अदद यहाँ पर बना देंगे पैराग्राफ, या H1 बना देता हूँ मैं एक अदद, ठीक है जी। ये मेरे पास एक अदद H1 बना हुआ आ गया। अच्छा, इस H1 के अंदर अब मैं चाहता हूँ कि रिजल्ट जो मेरा डिस्प्ले हो ना वो पेज के ऊपर, जैसे यहाँ पे बंदा इनपुट लिख रहा है इसी तरह, और इसी के नीचे, इस इनपुट के नीचे यहाँ पे मेरा रिजल्ट
लिखा हुआ जाए। तो उसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने एक एच वन बनाया। अब चूंकि इस एच वन के अंदर मुझे वैल्यू रखवानी है, ठीक है, तो मुझे उसको आईडी देनी पड़ेगी। तो मैंने इसको एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन दी और उसका नाम रखा रिजल्ट, ठीक है। तो इस एच वन की यूनिक आइडेंटिटी हो चुकी है रिजल्ट। अब मैं क्या करूँगा, अब यहाँ पे बजाय इसको अलर्ट करवाने के मैं कहूँगा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, ठीक है। उसकी आईडी क्या है, रिजल्ट, रिजल्ट कहा मैंने कहा डॉट इनर, अच्छा इनर टेक्स्ट भी कर सकता हूँ मैं, इनर एचटीएमएल भी कर सकता हूँ, इन दोनों में डिफरेंस क्या है हम ये डिस्कस कर लेंगे। अच्छा इनर एचटीएमएल, बल्कि अभी हम डिस्कस कर लेते हैं। इनर एचटीएमएल करके ना मैं इसको क्या दे सकता हूँ, पूरा एक एचटीएमएल का टैग दे सकता हूँ। मिसाल के तौर पर मैं इसको दे सकता हूँ एक अदद इनपुट, सही है, इस तरह की चीज़ मैं इसको दे सकता हूँ। क्योंकि कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि मुझे इसके अंदर एक पूरा इनपुट बॉक्स दिखाना पड़ जाए किसी केस में, ठीक है। तो वहाँ पर मैं इनर एचटीएमएल करके उसको वो चीज़ें भी दे सकता हूँ। अच्छा बट अभी मैं इनर एचटीएमएल करके उसको क्या दे देता हूँ, रिजल्ट, मैंने कहा भाई रिजल्ट, ठीक है जी। अच्छा और अगर आपको सिंपल टेक्स्ट दिखाना है, बाज़ औक़ात क्या होता है कि आपका जो टेक्स्ट जो भी चीज़ आप दिखाना चाह रहे हैं उसमें कुछ एचटीएमएल वाली चीज़ें होती हैं, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ज़रूरी होगा कि आप इनर टेक्स्ट का इस्तेमाल करें, अदरवाइज वो उसको एचटीएमएल की तरह ट्रीट करना शुरू कर देगा, ठीक है। तो अभी मेरा सिंपल टेक्स्ट है तो इसको मैं इनर टेक्स्ट के तौर पर यहाँ पे लिख रहा हूँ। अच्छा तो अब हम जरा अपने कोड को देखते हैं कि क्या हुआ। मेरा प्रोग्राम रन हुआ, कुछ मार्कअप्स यहाँ पे बन गए, ठीक है। सबसे पहला मार्कअप बना H1, एक हेडिंग कि भाई यहाँ पे जो भी टेक्स्ट लिखा हुआ है इसको हेडिंग बना दो, बड़ा करके दिखा दो। अच्छा फिर उसके बाद एक मार्कअप बना हमारे पास इनपुट का, ठीक है, उसकी एक आईडी हमने दे दी। दूसरा मार्कअप बना, उसको भी आईडी दे दी। तीसरा मार्कअप बना बटन, जो कि क्लिकेबल बटन होता है। मैंने कहा कि इसके क्लिक के ऊपर ऑन क्लिक ग्रीट के नाम से एक फंक्शनैलिटी है, उसको एग्जीक्यूट करना है आपने, ठीक है। जो ग्रीट, ग्रीट के नाम से मैंने यहाँ पे फंक्शनैलिटी नीचे बना दी। और इस बटन पे मैंने कहा कि सम लिखा हुआ है, इस बटन के ऊपर जो लेबल आ रहा हो वो सम लिखा हुआ आ रहा हो। उसके बाद मैंने एक मार्कअप और बनाया एच वन के नाम से, लेकिन उसके अंदर मैंने कुछ लिखा नहीं है, उसको मैंने जस्ट खाली छोड़ा है। और मैंने उसको एक आइडेंटिफिकेशन दे दी है, एक यूनिक आईडी उसको मैंने प्रोवाइड कर दी है, क्योंकि मैं बाद में इसके अंदर कुछ चीज़ रखवाना चाह रहा हूँ, ठीक है। जिस तरह हम वैल्यू गेट कर सकते हैं इस तरह वैल्यू हम रखवा भी सकते हैं, ठीक है। मैं इनपुट के अंदर से जैसे वैल्यू गेट कर रहा हूँ तो मैं इनपुट में वैल्यू रखवा भी सकता हूँ, इसी तरह एच वन से जिस तरह मैं वैल्यू रखवा रहा हूँ एच वन से वैल्यू गेट भी कर सकता हूँ। बट उसके लिए ज़रूरी है कि उसमें आई डी लगी हुई, अदरवाइज फिर मैं ये काम नहीं कर पाऊंगा। अच्छा तो मैंने कहा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आई डी, रिजल्ट, रिजल्ट के नाम का जो एक एलिमेंट है उसके अंदर जाके ये वाला टेक्स्ट दिखा दो रिजल्ट में जो भी इस वक्त लिखा हुआ है। सेव किया मैंने, वापस अपने कोड में आया, रिफ्रेश किया, मैंने कहा भाई 13 और 67 सम, ठीक है जी। तो यहाँ पे ये बना हुआ गया। अच्छा अब मैं आप लोगों के चैट को इनेबल कर रहा हूँ, अगर किसी का कोई सवाल है यहाँ तक तो काइंडली आप पूछ सकते हैं, चैट में भी पूछ सकते हैं। अगर आप हैंड रेज करेंगे तो आपका मैं आपको माइक खोल के फिर आपका क्वेश्चन भी ले सकता हूं। अच्छा आपके एक दोस्त कह रहे हैं कि फंक्शन बनाने का प्रोसेस रिपीट कर दूंगा, मैं बिल्कुल कर देता हूँ रिपीट। शो कोड, ये कोड आ गया भाई आपके पास। देखें फंक्शन बनाने का प्रोसेस बहुत ही आसान है, आपने कहा फंक्शन, उसके बाद फंक्शन का नाम, छोटी ब्रैकेट ओपन क्लोज, करली ब्रैकेट ओपन क्लोज, सिंपल। अभी इसको ज़्यादा उसको वो करने की ज़रूरत नहीं है कि पता नहीं है क्या है, ठीक है, बहुत ही सिंपल सी चीज़ है। अच्छा मोहम्मद उमर आपने हैंड रेज किया, प्लीज अपना माइक ओपन करके सवाल पूछें। सर मैं ये कह रहा था कि आज जितना भी हम लोगों ने काम किया उसको एक दफा उसका ओवरव्यू दे दें। अभी मैंने कोड को लाइन बाय लाइन रीड करके बताया, तो आप काइंडली ये पूछें कि आपको कौन से पॉइंट पे समझ नहीं आई बात। सर जो आपने फंक्शन बनाया उसके बाद जितनी भी चीजें हुई ना, तो
काइंडली बस ये मुझे बता दें कि उसके पीछे जो रीजन था वो क्या था एक्चुअली। अच्छा, फंक्शन बनाने का रीजन क्या था ये पूछना चाह रहे हैं? यस सर। अच्छा, तो आप अपना माइक ओपन रखें ताकि मैं साथ साथ आपसे मैं बैक टू बैक पूछता रहूं। अच्छा देखें, ठीक है सर। उमर, जब मैं पहले कोड लिखता था ना तो मैं सीधा सीधा कोड लिख देता था। अच्छा, उससे होता क्या था कि मेरा जो कोड था, जैसे ही मैं ओपन करता था अपने उसको पेज को, तो क्या होता था कि सारा जावास्क्रिप्ट का कोड रन हो जाता था। ठीक है। अच्छा, ठीक है। लेकिन अभी मैं क्या चाह रहा हूँ कि मैं जो जावास्क्रिप्ट का कोड लिखूं वो फौरन से रन ना हो पूरा, ठीक है, बल्कि जब एक बटन पे क्लिक किया जाए जब वो रन हो, उससे पहले वो रन ना हो। तो मैंने अपने कोड को एक ब्लॉक में पैक कर दिया। ठीक है, वो ब्लॉक क्या है? एक फंक्शनैलिटी ब्लॉक है। ठीक है, इसको फंक्शन भी कहते हैं या फंक्शन ब्लॉक भी कहते हैं या ब्लॉक ऑफ कोड कह सकते हैं आप इसको। तो मैंने एक ब्लॉक में अपने कोड को पैक कर दिया और मैंने कहा कि इस कोड को आप जब ही रन कीजिएगा जब क्या हो, इस फंक्शनैलिटी को बुलाया जाए या इस फंक्शनैलिटी को चलाने की रिक्वेस्ट की जाए। ठीक है, और मैंने ऊपर बटन पे लगाया कि ऑन क्लिक पे ये फंक्शनैलिटी रन की जाए। ओके सर, चलिए ठीक है। और सर एक और चीज मुझे पूछनी थी कि ये डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, इसका फंक्शन क्या है सर? इसका फंक्शन ये है कि ये डॉक्यूमेंट जो है ये आपके HTML की डॉक्यूमेंट की बात हो रही है। जैसा कि आप शुरू में हमने देखा है कि हमने कहा डॉक टाइप HTML, तो ये पूरा जो भी हम डॉक्यूमेंट लिख रहे हैं असल में ये डॉक्यूमेंट HTML का डॉक्यूमेंट है। उसमें हेड है, उसमें बॉडी है, फिर उसके अंदर सारे मार्कअप्स हैं मजीद, फिर स्क्रिप्ट जो है जिसके अंदर एक्चुअल में हमने अपना जावास्क्रिप्ट का कोड लिखा हुआ है, वो स्क्रिप्ट भी क्या है? एक मार्कअप है। ठीक है, और उसके अंदर ये जावास्क्रिप्ट लिखी हुई है। तो डॉक्यूमेंट ये क्या बात हो रही है कि ये जो पूरा पेज हमने लिखा हुआ है इसी पेज को डॉक्यूमेंट कहा जा रहा है। अच्छा, इसके अंदर जितने भी मार्कअप्स हैं इनको एलिमेंट्स भी कहा जाता है। ठीक है, मार्कअप्स भी कह सकते हैं, एलिमेंट्स भी कह सकते हैं। तो वो कह रहा है कि भाई इस डॉक्यूमेंट में से एक ऐसा मार्कअप आप तलाश करके लाएं, एक ऐसा एलिमेंट तलाश करके लाएं जिसमें आईडी बताई गई हो इनपुट वन। ठीक है, और जब वो आपको मिल जाए तो उसकी आप वैल्यू को निकाल कर फर्स्ट नंबर में इनपुट कर दें। सही, ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच। अच्छा, जो लोग बाकी लोग हैं जो जिनके पास कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा, वो काइंडली इस कोड को अपने हाथ से भी जल्दी से लिख लें। ठीक है, अच्छा इतने में हम और लोगों के क्वेश्चंस लेते हैं। अच्छा, बहुत सारे मीटिंग्स में अभी ज्वाइन कर रहे हैं तो हमारा कहना चाहिए कि 8:15 लास्ट टाइम है। जी दोस्त, जो लोग बाद में ज्वाइन कर रहे हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट ये है कि आप जल्दी ज्वाइन कर लिया करें, अदरवाइज फिर आपको चीज़ें समझने में प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, क्योंकि आप बीच से ज्वाइन करेंगे शुरू से मैं क्या बता रहा हूँ। सर जी, सर आपसे एक रिक्वेस्ट थी कि फॉन्ट साइज थोड़ा सा स्मॉल कर दें ताकि जो कोड है वो पूरा आ जाए स्क्रीन पे। सर जो आपने HTML के बॉडी वाले में लिखा है कोड वो मुझे दिख नहीं रहा है पूरा, ये वाला बॉडी वाला। जी सर, ये बॉडी के नीचे जो H1 था। ठीक है सर। अच्छा, आप सही है? हाँ जी, ठीक है, आप सही है। अच्छा सलील, आपको ये कोड समझ आ गया जो ये लिखा हुआ है? जी जी समझ आ गया। अच्छा अरिबा, आपको पता चला ये सब कोड? कोई मसला तो नहीं आया आपको समझने में? अच्छा, अगर किसी का मजीद कोई सवाल नहीं है तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। एक बस सवाल ये है कि यू नो व्हेन वी कॉल अ फंक्शन वी आर यूजिंग दीस ब्रैकेट्स, how do you learn how to use those brackets? So like greet, then there's curl, round brackets, and then there's curly brackets. So what's the reason for the round brackets and what's the reason for the curly brackets? जी, बड़ा अच्छा आपने सवाल पूछा। अच्छा, function का ना एक topic अलग से भी बाद में आएगा जिसमें function को हम in detail पढ़ेंगे, लेकिन आपके सवाल का मैं answer करने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले जो बनेगा ना वो बनेगा फंक्शन। ठीक है, तो फंक्शन को बनाने का जो सिंटैक्स है वो इसी तरह से, ठीक है, पहले फंक्शन का कीवर्ड होगा,
यानी कि भाई हम फंक्शन बनाने लगे, जैसे वेरिएबल में हम वार लिखते हैं शुरू में, तो फंक्शन में फंक्शन हो गया। उसके बाद उस फंक्शन का नाम होगा, फंक्शन का नाम मेरी मर्जी का हो सकता है, मैं जो चाहूँ नाम रखूँ, बट वेरिएबल के नाम की जो शरायत है ना वो इसमें होती है। मिसाल के तौर पर कि आप इसके अंदर स्पेस नहीं दे सकते, इस नाम में बगैर स्पेस के होना चाहिए, आप इसको नंबर से स्टार्ट नहीं कर सकते, अदरवाइज ये आपको एरर देना है। हाँ, बीच में आप नंबर रख सकते हैं, जैसे ग्रीट वन कर दें आप। तो ये जो रूल्स हैं ये आपको ख्याल रखना होगा, नाम आपकी मर्जी का होगा, जो भी नाम आप रखना चाहें। अच्छा, उसके बाद ये पैरेंथेसिस ओपन क्लोज गोल वाली ब्रैकेट्स, उसके बाद ये कर्ली ब्रैकेट जो है ना इसको हम कहते हैं ब्लॉक ऑफ कोड। कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट और कर्ली ब्रैकेट यहाँ पे खत्म, इसके दरमियान में जो भी कोड है वो इस फंक्शन का कोड कहलाएगा। तो ये इसको बनाने का सिंटैक्स है, ठीक है। ये ऊपर वाली लाइन का सिंटैक्स है, यहाँ तक इसका सिंटैक्स है, और बीच में आपकी मर्जी का कोई भी जावास्क्रिप्ट का कोड हो सकता है इसके दरमियान, यानी ब्लॉक ऑफ कोड के अंदर। तो जब भी ये फंक्शनैलिटी रन होगी तो ब्लॉक ऑफ कोड जो है ना ये चल पड़ेगा। अब इस ब्लॉक ऑफ कोड में जो भी काम किया होगा वो चल जाएगा। अच्छा, उस ब्लॉक ऑफ कोड को चलाने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, आपको ग्रीट लिखना पड़ता है और उसके आगे ये पैरेंथेसिस ओपन क्लोज करना पड़ता है, ठीक है। इसको हम कहते हैं कॉल सिग्नेचर, इसका कॉल सिग्नेचर भी एक नाम है। तो हम किसी भी हम नाम लिखते हैं और कॉल सिग्नेचर लगाते हैं, तो अगर वो कोई फंक्शनैलिटी होती है तो वो चल पड़ती है, अगर कोई फंक्शनैलिटी नहीं होती तो वो एरर दे देता है कि भाई आप जिसको कॉल करना चाह रहे हैं वो तो कोई फंक्शन नहीं है। Got it. Another question, Mohammed Adnan Farooq bhai pooch rahe hain, by using the plus sign before first number and the second number variable, what's the reason for that? जी, जैसा कि मैंने बताया था कि टेक्स्ट बॉक्स में आप जो भी बात लिखते हैं वो क्या होता है कि नंबर में नहीं मिल रहा होता आपको, बावजूद इसके कि आप नंबर टाइप कर रहे होते हैं बट वो टेक्स्ट की सूरत में आपको मिलता है। तो आप क्या करते हैं, जब उसके पहले ऐसे प्लस का साइन लगा देते हैं तो वो नंबर में कन्वर्ट हो जाता है, उसकी जो डेटा टाइप है वो नंबर में कन्वर्ट हो जाती है। Sir, why you are not making another file of JavaScript? If you will make app.js get easy for us to understand in JavaScript, this... आपके एक दोस्त ने सवाल पूछा है कि मैं JavaScript की अलग फाइल क्यों नहीं बना रहा। बिल्कुल, आपने अच्छी बात पूछी है। अच्छी प्रैक्टिस यही होती है कि JavaScript एक अलग फाइल में लिखा जाए, लेकिन हर केस में नहीं हो सकता ये, ठीक है। जैसे कि ये वाला केस क्या है, समझाने के लिए मैं आपको पहली बात तो ये कोड लिख रहा हूँ, तो मैं ये चाहता हूँ कि एक ही पेज पे ना सारा कोड आता रहे, क्योंकि अभी हमारी शुरू शुरू की क्लासेस हैं, बिगनर्स इसमें लोग मौजूद हैं, तो इस वजह से मैंने अलग फाइल में नहीं बनाया, मैंने इसी फाइल में HTML लिखा है और इसी फाइल में उसकी JavaScript भी लिखी है ताकि समझने में आसानी हो, ठीक है। अच्छा, जैसा कि मैंने कहा कि हर केस में ऐसा नहीं हो सकता कि आप अलग फाइल में लिखें, समटाइम्स ऐसा होता है कि अगर आप अलग फाइल में जावास्क्रिप्ट लिखते हैं तो उसको कीप ट्रैक रखना भी मुश्किल हो जाता है आपके लिए, ठीक है। हाँ, आप उस सूरत में उसको अलग कर सकते हैं, या करना चाहिए, रिकमेंडेड है कि जब आपकी HTML की फाइल काफ़ी लंबी हो जाए, ठीक है, या आपकी जावास्क्रिप्ट की फाइल काफ़ी लंबी हो जाए, तो फिर आपको क्या करना चाहिए, दोनों को अलग अलग कर देना चाहिए। अभी छोटी सी फाइल है, कोई मसला नहीं है। जी मोहम्मद उमर सर, वो आपसे एक रिक्वेस्ट थी कि हम लोग एक क्लास के ना जितने भी हम लोग फंक्शंस परफॉर्म कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल जैसे इनपुट लेना या किसी जो जो हमने ब्राउजर पे कोड लिखा था उसके ऊपर दो डायलॉग बॉक्सेस बनाना, तो इन सारे जो भी हम लोग कर रहे हैं काम, तो उनकी एक लिस्ट बना के अगर हम लोग को ताकि पता लग जाए कि नेक्स्ट क्लास में हमारा टास्क क्या होगा, तो अगर इसकी कोई लिस्ट अगर आप बना दें तो देखें। एक ब्रीफली तो आपको लिस्ट पहले से मिली भी है जो कोर्स आउटलाइन की सूरत में, उसमें ये सारी बातें लिखी हुई हैं कि हम उसमें क्या क्या पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। तो वही एक लिस्ट है। वैसे तो जब मैं क्लास में यहाँ पर आता हूँ तो मैं लोगों के सवालात देखते हुए और इन चीज़ों को देखते हुए भी बहुत सारी चीज़ें कर रहा होता हूँ, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम, ये क्लास तो खैर अभी शुरू हुई है, लेकिन मैं वैसे इन जनरल बात कर रहा हूँ कि जब मैं क्लास में जाता हूँ तो मतलब ऐसा ज़रूरी नहीं है कि मैं जो सोच के गया हूँ मैं वही पढ़ाऊँ। समटाइम ऐसा होता है कि लोगों का जो रिस्पॉन्स होता है उसको देखते हुए मुझे
मैं चेंज कर देता हूँ, जो चीज में पढ़ानी होती है उसको कुछ और कर देता हूँ. सर, I'm kind of saying के हमें पता हो के what we are expecting in this class. आप अच्छा ये कहना चाह रहे हैं कि क्लास के शुरू में आपको पता चल जाए कि आज हम क्या पढ़ाई कर रहे हैं, ये कहना चाह रहे हैं? सर जी जी यस सर. तो आपने क्लास मेरे ख्याल लेट ज्वाइन की है शायद. नहीं सर, मैंने आई गेस 7:05 पे की थी ज्वाइन. 8:05 पे की होगी. या 8:05 एक्चुअली. 8:10 पर हमने क्लास स्टार्ट की है. तो शुरू में मैंने जिक्र किया था, अगर आपने गौर किया हो तो, कि हम आज की क्लास में इनपुट और आउटपुट के एक नया तरीका सीखने जा रहे हैं जो हमने अभी सीखा है. तो अब यहाँ तक तो हो गया. अब इसमें अगर लोगों के सवाल नहीं आए तो फिर मैं आगे कोई दूसरा टॉपिक सोचूंगा, स्टार्ट करूंगा. ऐसा है, ठीक है? तो इनपुट आउटपुट का तरीका तो ओके सर, ठीक है. ओके सर, जस्ट एक आपके लिए सजेशन उमर भाई कि आई अंडरस्टैंड यू वुड लाइक टू नो व्हाट इज बीइंग टॉट इन द नेक्स्ट लेक्चर्स, बट बिकॉज देयर इज आल्सो सम फ्लेक्सिबिलिटी दैट नीड्स टू बी देयर, सो दैट यू नो बाकी के लोग कहाँ पे हैं उसके हिसाब से मलिक सर डिसाइड करेंगे कौन सा टॉपिक उन्हें उठाना है. बट वॉट यू कैन डू इन द मीन टाइम इज लुक एट W3's वेबसाइट फॉर जावास्क्रिप्ट एंड देन स्टार्ट लर्निंग इट बाय योरसेल्फ. So that you have like, you know, a basic idea about what is happening in class, if that makes sense. Yeah, okay, okay. Thank you. वैसे मेरी ये आदत भी है, last class की अगर आप recording भी देखें ना सलील, तो मैं last class में ना जाते हुए मैंने जिक्र किया था कि हम नया तरीका देखेंगे input, और आज मैंने आके भी बताया, तो वो तो चीज़ हमने अभी कर ली है, ठीक है? तो अभी हमारे पास टाइम बचा हुआ है, तो मतलब जितना मैंने सोचा था उससे जल्दी हो गई. तो अब मैं सोच रहा हूँ नई चीज़ क्या बनाऊँ, और मुझे नई चीज़ पता चल गई है कि मैं क्या पढ़ाने लगा हूँ. ठीक है, अब मैं बताने लगा हूँ आपको मार्कअप्स की एक लिस्ट, ठीक है? और आपको एक असाइनमेंट भी देने लगा हूँ. तो अच्छा, पहले तो सब लोग जो ये कोड लिख रहे थे, क्या उन्होंने कोड लिख लिया है? उनसे हो गया है इतना कोड? इसके अंदर कोई एरर तो नहीं आ रहा आपके पास? यस, डन. सलील, आपका एग्जैक्ट रिजल्ट आ चुका है जो मेरे पास आ रहा था? जी. चले, परफेक्ट. अच्छा, तो अब यहाँ पे ना हम थोड़ा सा रुकेंगे अपनी जावास्क्रिप्ट को लेकर, थोड़ा सा हम रुकेंगे. जी मोहम्मद अब्रार, कुछ पूछना चाह रहे हैं अगर तो पूछ सकते हैं आप. तो यहाँ पे हम थोड़ा सा रुकेंगे अपनी जावास्क्रिप्ट को लेकर, और हम जाएंगे कि कितने मार्कअप्स होते हैं, ज़रा उसको हम एक दफ़ा देख लेते हैं कि भाई मार्कअप्स में क्या क्या ऐसा है जो हम कर सकते हैं. अच्छा, आप सब लोगों ने ज़्यादातर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड तो इस्तेमाल किया होगा, ठीक है? वैसे भी आप जो रिच टेक्स्ट के सॉफ्टवेयर्स होते हैं, जैसे कहीं पे नोट्स वगैरह लिख रहे हो आप, या कहीं पे बोल्ड इटैलिक वगैरह करने का ऑप्शन आ रहा होता है, तो वो तो आप करते रहे हैं, ठीक है? तो मैं क्या करता हूँ, लिखता हूँ कि लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स HTML, ठीक है? तो ये W3 का आपके पास सबसे पहला लिंक आ चुका है. इसके अंदर जो है HTML में जितने भी मार्कअप्स होते हैं उसकी एक लिस्ट यहाँ पे होनी चाहिए थी, बट शायद मैंने गलत डॉक्यूमेंट पर क्लिक कर दिया. अच्छा, HTML होम, HTML elements, ये है वो लिस्ट, ठीक है जी. अच्छा, तो हम ना इस लिस्ट को एक दफा एक्सप्लोर करते हैं कि कौन कौन से मार्कअप्स और हो सकते हैं इसके अंदर, और इसके साथ मैं आपको एक असाइनमेंट भी दूंगा जो आप करेंगे. टैग्स, थैंक्स. अच्छा जी, तो सबसे पहले बेसिक HTML के जो मार्कअप्स हैं, ठीक है? जैसा कि मैंने जब यहाँ पे कोड स्टार्ट किया था, तो आप देखें मैंने क्या किया था, मैंने एक्सक्लेमेशन साइन एंटर किया था, और जैसे ही मैंने एक्सक्लेमेशन साइन एंटर किया, आप देखें दो सजेशंस आ रही हैं आपके पास, ठीक है?
जो पहली वाली सजेशन है उसमें सामने एक ऐसे बना के भी बता रहा है टूल टिप वो कि भाई इस पे आप क्लिक करेंगे तो ये हो जाएगा। तो इसके अंदर जितने भी टैग्स हैं ना, डॉक टाइप HTML, अब डॉक टाइप HTML से क्या होता है कि मेरे ब्राउजर को पता चलता है कि अच्छा ये HTML का वर्जन कौन सा है, ठीक है, वर्जन 5 HTML का आई थिंक चल रहा है अभी, तो वो पता चल जाता है उसको। फिर लैंग्वेज इसमें कौन सी इस्तेमाल हुई, सर्च इंजन वगैरह को आसानी रहती है। इसी तरह ये मेटा के टैग्स हैं, ये सर्च इंजन के लिए हेड है, बॉडी है, उसको पता चलता रहता है कि अच्छा भाई कहाँ पे क्या लिखा हुआ है। अच्छा, तो ये सारे कहलाएंगे बेसिक टैग्स, ठीक है जी। अच्छा, बेसिक टैग्स के अंदर हेडिंग्स भी मौजूद हैं। हेडिंग कहाँ से लेके होती है, H1 से लेके H6 तक की हेडिंग होती है, ठीक है। इसको मैं बल्कि क्या कर देता हूँ, एक यहाँ पे नया HTML का मैं पेज भी बना देता हूँ। मैंने कहा कि markups.html, ठीक है जी, मैंने markups.html के नाम से एक पेज बना दिया, और markups.html के अंदर मैं सारे markups को एक एक करके ट्राई करता जाता हूँ कि भाई क्या है उसमें। अच्छा, जैसे H1 है, मैंने कहा H1 में हेलो, और मैंने कहा H1 से लेके H6 तक इसमें लिख देते हैं, H2, ठीक है जी, H3, H4, H5 एंड देन H6, ठीक है जी। तो मैंने H1 से लेके H6 तक इसमें टाइप कर दिया, और मैं अब इसको ब्राउजर में ओपन कर लेता हूँ कि भाई ये कैसा दिखता है। ब्राउजर में मैंने इसको ओपन किया तो देखें जी, H1 से लेके H6 तक जो है ना वो कुछ इस तरह से दिख रहा होगा आपको। अच्छा, और देखते हैं भाई कौन से मार्कअप्स इसमें अवेलेबल हैं। अच्छा, मेरे पास पैराग्राफ के लिए मार्कअप है, ठीक है, पैराग्राफ के लिए मार्कअप है, उसमें मैं लिखूंगा जो भी पैराग्राफ लिखना होगा उसमें करके लिखूंगा। अच्छा, उसके बाद BR है, ये क्या करता है, लाइन ब्रेक एक लगा देता है आपके पास, ठीक है। तो जी, मैं एक पैराग्राफ लिखता हूँ इसके अंदर, मैंने कहा पी, और पैराग्राफ के लिए कुछ टेक्स्ट उठा लेता हूँ मैं। कहाँ से उठा लूँ भाई, यहीं से कहीं से उठाता हूँ। मैं गया NPM में, एक कोई मेरे पास खुला हुआ था पहले से पेज, वहाँ पे से मैंने कुछ टेक्स्ट उठा लिया और वो टेक्स्ट मैंने इस पैराग्राफ के अंदर एंटर कर दिया। अच्छा, वो मुझे आता नहीं है, कैसे आता है वो? अच्छा नहीं, आप पैराग्राफ के बाद टैग लगाएंगे ना, उसके आगे आप लॉरम लिखने जाएंगे तो वो जब ऐसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे ना, पूरा पैराग्राफ लिखा जाएगा। अच्छा, तो मैंने एक अदद पैराग्राफ लिख दिया। अब पैराग्राफ में क्या हुआ कि ये पैराग्राफ की तरह से इसको प्रिंट कर दिया इसमें। अच्छा, पैराग्राफ के बाद मेरे पास एक है BR, सॉरी BR था या HR था, दोनों ही है वैसे, एक BR है। अच्छा, BR क्या कर देता है कि लाइन को ब्रेक कर देता है, आप एक लाइन ना छोड़ के नीचे आ जाता है। मिसाल के तौर पे अगर इस पैराग्राफ में मैं चाह रहा हूँ कि द डायलॉग फ्लो फुलफिलमेंट लाइब्रेरी अलाउ यू टू कनेक्ट नेचुरल लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग एंड प्रोसेसिंग, ठीक है, टू योर ओन सिस्टम, आप ओन सिस्टम के बाद मैं चाहता हूँ कि एक ब्रेक आ जाए लाइन में, मतलब यहाँ पे लाइन चेंज हो जाए, तो मैं यहाँ पे ऐसे BR करके लगा सकता हूँ इसको, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे एक BR लिखा, तो आप नोट कीजिएगा ये एग्जैक्टली उसी जगह पे जाके लाइन को ब्रेक करेगा, ठीक है। सिस्टम के बाद मैंने BR लगाया तो ऐसे लाइन ब्रेक हो गई। अच्छा, इसी तरीके से HR है, हॉरिजॉन्टल रूल कहते हैं इसको, ठीक है। हॉरिजॉन्टल रूल क्या करता है कि एक आपको लकीर बना के देता है। सर, BR में मेरे ख्याल से एंड स्लैश रिक्वायर्ड नहीं होता। हाँ, रिक्वायर्ड नहीं होता, लेकिन सही तरीका लगाने का यही है इसको। ओके सर, ओके। अच्छा जी, तो ये आपने देखा लाइन इसमें बनी भी आ गई। अच्छा, तो इसी तरह से ये बहुत सारे मार्कअप्स हैं, आप इन सारे मार्कअप्स को आप एक एक करके ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। एक एक करके ट्राई करने के बाद आप क्या कर सकते हैं कि बिल्कुल सेम जैसे आप MS Word के अंदर सर स्लैश क्यों लगा रहे हैं, दोस्त इसको लगाने का ना तरीका यही है जी। आपने बड़ा अच्छा वैसे सवाल पूछा है, अगर मैं H1 के अंदर क्लिक करूँ ना इसके ऊपर, तो जब मैं क्लिक करूंगा तो ये मुझे एग्जैक्टली इसको लगाने का तरीका बताएगा कि इसको लगाते कैसे। ये आपने अच्छा सवाल पूछा है। अच्छा, तो लगाने के तरीके में आप देखें, इन्होंने इस तरह से ओपनिंग टैग इसका अलग है, क्लोजिंग टैग इसका अलग है,
ठीक है जी। और उसके दरमियान में जो सारी बात इसकी लिखी हुई है, जिस भी टेक्स्ट को बड़ा करना है, H1 बनाना है, वो बीच में इसके लिखा हुआ है। तो ओपनिंग टैग ये है और क्लोजिंग टैग इसका ये है, ठीक है। देखें टैग्स यहाँ पे लिखा हुआ है। अच्छा, और इस पूरे को मिला के ना, इस पूरे को या तो हम मार्कअप कह सकते हैं या तो हम इसको एलिमेंट भी कहते हैं, ठीक है, जैसे कि जावास्क्रिप्ट में भी जिक्र किया था एलिमेंट। अच्छा, इसी तरीके से मैं बैक आ जाता हूँ, और बैक आने के बाद मैं ये HR जो लिखा हुआ है, HR पे मैं क्लिक करता हूँ जब, तो मुझे ये HR को लगाने का तरीका यहाँ पे बताएगा। देखिए आप HR लिख कर बताया हुआ है, इसमें बैक स्लैश नहीं लगा हुआ, बट इसको आप लगाने का सही तरीका ये ब्लैक स्लैश, लेकिन बैक स्लैश के बगैर भी ये काम करता है, ठीक है जी। तो ये HR को आपको लगाने का तरीका, इसकी हर तरह की डेफिनेशन, जो जो चीज़ें होती हैं वो सब आपको इसमें बताया हुआ है। अच्छा, इसी तरीके से अब नीचे मजीद आते हैं, जो हमने पैराग्राफ का अभी एक देखा था वो वाला खोल कर देखते हैं कि भाई उसमें क्या है। एक्सक्यूज मी सर, एक क्वेश्चन था मेरा सर। क्वेश्चन एक्चुअली ये था कि कुछ टैग्स के साथ ये लिखा हुआ है कि इट इज नॉट सपोर्टेड इन HTML5, तो उसका रीजन क्या है सर? अच्छा, असल में HTML जैसे कि जावास्क्रिप्ट में शुरू में बताया था ना मैंने कि लोगों ने अपनी अपनी बनाई हुई थी जावास्क्रिप्ट, इसी तरह लोगों ने HTML भी अपनी अपनी बनाई हुई थी। तो उसमें ना टैग्स बहुत ही सारे थे, मतलब उनकी गिनती इतनी ज़्यादा थी कि बहुत प्रॉब्लम थी लोगों को। तो आहिस्ता आहिस्ता क्या किया, जब HTML4 का वर्जन आया था तो उसमें उन्होंने वो बहुत सारे टैग्स को ना कम करने की कोशिश की थी, तो उसको कम करके बहुत ही लिमिटेड नंबर पे लेकर आए थे। फिर जब HTML5 आई है तो अच्छा, HTML4 में जो बच गए थे ना उनको तो ख़त्म ही कर दिया, मतलब वो चलते भी नहीं है, तो HTML4 में उन्होंने कम किया था इसको। HTML5 में ना उनको लगा कि यार कुछ और भी ऐसे हैं उनको भी कम करना चाहिए, ठीक है, तो उन्होंने उसको HTML5 में शामिल नहीं रखा, बट स्टिल वो काम करते हैं। जैसे कि स्ट्राइक लिखा हुआ है, जैसे कि एक मार्की करके एक टैग होता है MAR, अच्छा इसमें वो नहीं आ रहा, मार्की की स्पेलिंग किसी को पता है? नहीं, खैर वो शायद इसमें वो फोर से भी पहले की चीज़, MARQUEE, MARQ नहीं सर, इसमें लिस्टेड भी नहीं आई गेस, इसमें नहीं है। तो इस तरह के बहुत सारे टैग्स हैं जो HTML4 में उसको ख़त्म कर दिया गया था, बट 5 में इनको लगा कि अच्छा यार कुछ और भी ऐसे हैं जिनको भी ख़त्म करना चाहिए, तो उन्होंने HTML5 में उसको शामिल नहीं रखा, बट स्टिल वो गूगल क्रोम वगैरह पे और मेजर ब्राउजर्स पे चलते हैं। बट डेवलपर्स को ये रेकमेंड किया जाता है कि आप इनको इस्तेमाल ना करें, क्योंकि फ्यूचर में जाहिर है HTML4 की अगर इन्होंने सपोर्ट ख़त्म की तो ये चलना बंद हो जाएंगे। अच्छा, तो हम क्या देख रहे थे कि इसमें मजीद कौन कौन से टैग्स हैं। अच्छा, फॉर्मेटिंग के जो टैग्स हैं वो कौन कौन से हैं भाई? बी से बोल्ड कर सकते हैं, जैसे ये बी का टैग है, इस पर मैंने क्लिक किया तो अंदर इसको बताएंगे कि ये चलता कैसे, ठीक है जी। तो बोल्ड करने के लिए किसी भी टेक्स्ट को उसके आप बोल्ड स्टार्ट, बोल्ड एंड, और बीच में जो भी टेक्स्ट होगा वो बोल्ड हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, अपने इस पैराग्राफ के अंदर जो डायलॉग फ्लो फुलफिलमेंट है ना, इतने वर्ड को हम बोल्ड करना चाह रहे हैं, तो हम कैसे करेंगे, हमने यहाँ पे ओपन किया बी का टैग और इसको क्लोज कर दिया यहाँ पर, ठीक है। क्लोज करने के लिए बैक फॉरवर्ड स्लैश और बी, ठीक है, इससे ये क्लोज हो गया। अब अगर हम इसको वापस जाकर देखें अपने डॉक्यूमेंट में, तो इतना पार्ट बोल्ड हो चुका है, ठीक है जी। तो ये हमने जस्ट हम मार्कअप्स लगाते जा रहे हैं जस्ट, हम और कुछ नहीं कर रहे। तो बोल्ड हमने करना सीख लिया। इसी तरीके से जो मोस्ट यूज्ड हैं उनमें से मैं कुछ बता देता हूँ, बाकी आप खुद उसको देख सकते हैं। अच्छा, सारों को इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, इसमें बहुत सारे इतने सारी तादाद में टेक्स्ट हैं तो वो सारे इस्तेमाल नहीं होते हैं, इस्तेमाल सिर्फ वो होते हैं जो क्या कहते हैं, उसका भी मेरे पास एक ट्रिक है कि आपको सिर्फ वो वाला समझना पड़े जो इस्तेमाल होता है, उसकी ट्रिक मैं आपको बताता हूँ क्या है। उसकी ट्रिक ये है कि आज की क्लास के एंड में मैं आपको कहूँगा कि आप घर से अपनी एक CV बनाएं, इसी तरह से आप पैराग्राफ्स लिख के और ये चीज़ें लिख के, तो जो एलिमेंट्स ऐसे हैं जो आपको अपनी CV बनाने में जिनकी ज़रूरत पड़ रही है वो मोस्ट यूज्ड है। जैसे CV में आप हेडिंग लगा सकते हैं, तो एक से लेके 6 तक हेडिंग है,
पैराग्राफ की जरूरत पड़ेगी, पैराग्राफ है, फोटो लगाने की जरूरत पड़ेगी, इमेज का एलिमेंट है वो है। इसी तरीके से आपको ये जो हॉरिजॉन्टल रूल है इसकी भी जरूरत पड़ सकती है, ये है इम्पॉर्टेंट। इसी तरह बुलेट पॉइंट्स हैं, ये वो सारी चीज़ें जो मोस्ट यूज हैं, जो आपको एक अपना सीवी का डॉक्यूमेंट तैयार करने में जिन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। अच्छा, इनपुट का जो मार्कअप है ये हम देख चुके हैं पहले ही। इसी तरह टेक्स्ट एरिया है, टेक्स्ट एरिया में क्या होता है, थोड़ा सा बड़ा टेक्स्ट एरिया बनकर आता है। इनपुट में तो ना सिंगल लाइन का होता है, इसमें तीन लाइन का बना हुआ है। बटन हम देख चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है जी। अच्छा, इमेज का हमने अभी तक टैग नहीं देखा, ठीक है। आईएमजी, तो आईएमजी को क्लिक करके देखते हैं, एक अदद हम इमेज भी लगा कर देख लेते हैं। इसको मैं एज इट इज क्या कर लेता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से, और कॉपी करके मैं क्या करता हूँ अपने कोड में जाके और पैराग्राफ से पहले मैं इसको लगा देता हूँ, ठीक है जी। पैराग्राफ से पहले मैंने इसको लगा दिया आईएमजी के टैग को। अच्छा, आईएमजी के टैग में मुझे क्या क्या देना पड़ता है, सबसे पहले देना पड़ता है सोर्स, कि भाई एक इमेज का कोई सोर्स मुझे बताएं कि भाई कहाँ से इमेज इसमें लाकर लगानी है। तो सोर्स में कैसे निकाल सकता हूँ, दो तरीके हैं। एक तो कि इंटरनेट पर पड़ी हुई कोई भी फोटो है उसको मैं लगा दूँ यहाँ पर लाकर। मिसाल के तौर पर मैंने कहा कि प्रोफाइल पिक्चर हेडशॉट, ठीक है जी। तो मैंने यहाँ पर से कोई भी एक प्रोफाइल पिक्चर अच्छी सी ढूंढ कर और उसको क्या किया, ओपन इमेज इन न्यू टैब। तो मुझे क्या होता है, ओपन इमेज इन न्यू टैब करना था ना मुझे, ये वाला नहीं हो रहा, किसी और को ट्राई करते हैं। जैसे सबसे ये वाला जो है इसको ट्राई करते हैं, ठीक है जी। ओपन इमेज इन न्यू टैब से मुझे ये ओपन इमेज न्यू टैब हो गया, इसमें जो टॉप पे यहाँ पे यूआरएल आ रहा है ना, ये इस इमेज का सोर्स यूआरएल है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको इस्तेमाल कर लेता हूँ। तो पहला तरीका तो ये है मेरे पास सोर्स लगाने का, ठीक है, कि इसका सोर्स क्या है, ठीक है जी। इसको मैं मल्टीपल लाइन में कर लेता हूँ ताकि मुझे समझने में आसानी हो। अच्छा, तो एक SRC हो गया सोर्स, जिसमें आप क्या देते हैं कि इस फोटो का सोर्स क्या है। उसके बाद है ALT, अल्टरनेटिव टेक्स्ट। अल्टरनेटिव टेक्स्ट क्या होता है कि अगर किसी वजह से आपका इंटरनेट नहीं चला, कुछ मसला हो गया और इमेज आपकी पूरी लोड नहीं हो सकी, तो ये alt वाला जो टेक्स्ट है ना, ये लिखा हुआ बना देता है। अच्छा, फिर उसके बाद वेड, तो उसकी कि भाई उसकी वेड कितनी होगी, इमेज की चौड़ाई, स्क्रीन पे आपको कितनी बड़ी इमेज दिखानी है, और दूसरी हाइट। तो हम क्या करते हैं, आमतौर पर दोनों नहीं देते, हम सिर्फ वेड दे देते हैं, सही है, सिर्फ चौड़ाई बता देते हैं, हाइट जितनी उस बनती है एस्पेक्ट रेशो के हिसाब से उतनी बोली लेता है। तो 500 पिक्सल की इमेज हमने कहा कि मेरी स्क्रीन पे दिखा दो। मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो मेरे पास ये पिक्चर बनी हुई आ गई है, ठीक है। अच्छा जी, बट यू मस्ट नो एस्टिमेट्स फर्स्ट। आपके एक दोस्त कह रहे हैं कि जो इंटरनेट से हम फोटोज उठाते हैं उसमें कुछ कॉपीराइट भी लगा हुआ होता है उसके ऊपर, वो पेड होती है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, बट हम अभी इसको पब्लिश वगैरह तो नहीं कर रहे, तो कोई इशू नहीं है। तो आपको इमेज कोई भी इस्तेमाल करते हुए अपने, अगर आपका प्रॉपर बिजनेस है और उसकी वेबसाइट पे वो इमेज आप पुट करने जा रहे हैं, तो आपको इस चीज़ का ख्याल रखना पड़ता है कि वो इमेज किसी का कॉपीराइट तो नहीं है। तो वो क्या कर सकता है, कॉपीराइट क्लेम कर सकता है आपकी वेबसाइट पे, और उसके नतीजे में जो आपका डोमेन प्रोवाइडर है वो आपकी वेबसाइट को डाउन भी कर सकता है, अगर उसने प्रॉपर क्या कहते हैं उसको, कानूनी जो भी प्रोसीजर है अगर वो उसने कर दिया, तो आपकी वेबसाइट आपका डोमेन प्रोवाइडर भी डाउन कर सकता है। कुछ कंट्रीज हैं वहाँ पे आपकी साइट पे बैन भी हो सकता है इसकी वजह से, कि भाई आपने किसी के दूसरे की इमेज इस्तेमाल कर ली। अच्छा जी, तो ये मैंने इमेज लगा दिया। अच्छा, इसके अलावा मैं क्या कर सकता हूँ, इसके अलावा मेरे पास इमेज वो डाउनलोडेड भी हो सकती है। मिसाल के तौर पे मेरे पास एक इमेज ऑलरेडी डाउनलोड हो चुकी है सर, तो उस इमेज को मैं तलाश करता हूँ कि वो किधर है, और उसको अपने प्रोजेक्ट के फोल्डर में लेकर आ जाता हूँ। डाउनलोड्स, ये है वो पिक्चर, तो मैं उसको पकड़ के अपने प्रोजेक्ट के फोल्डर में ले आता हूँ, ठीक है जी। ये मेरे प्रोजेक्ट के फोल्डर में आ गई ये वाली इमेज। अच्छा, इसका नाम मैं कर देता हूँ प्रोफाइल, ठीक है ना, आसान नाम कर देता हूँ क्योंकि मुश्किल से कुछ लिखा हुआ था नाम उसका।
और मैं एक और इमेज बनाता हूँ जिसमें मैं कहाँ से लगाऊंगा सोर्स, अब जो मेरा लोकल सोर्स है वो लगाऊंगा, मैंने कहा डॉट स्लैश और प्रोफाइल, ठीक है जी। डॉट स्लैश का मतलब क्या हुआ कि इसी फोल्डर में वो इमेज मौजूद है, ठीक है। एक तो HTTPS था कि भाई वो कहाँ पर मौजूद है, इंटरनेट पर मौजूद है, और फिर उसका पूरा URL मैंने बताया था। बट अब इस केस में फोटो मेरे पास इसी फोल्डर में मौजूद है, तो मैंने कहा डॉट स्लैश के इसी फोल्डर में। अच्छा, एक और भी चीज़ है थोड़ा सा क्या कहते हैं उसको, हमें ख्याल रखना चाहिए इस चीज़ का कि हम फोटोज़, चूंकि अभी तो एक फ़ोटो है, कल को बहुत सारी फ़ोटोज़ हो सकती हैं, तो हम क्या करते हैं एक फ़ोटो का ना IMG के नाम से फोल्डर बना लेते हैं और फोटो को उसमें पुट कर देते हैं सारी फ़ोटोज़, ठीक है। उससे क्या होता है कि अगर फ़ोटो आपकी बहुत सारी है तो वो कचरा नहीं होता ना, मेन फोल्डर में कचरा ना हो जाए। आपका सवाल मैं लेता हूँ दोस्तों भी। अच्छा, तो अब मुझे यहाँ पे भी चेंज करना पड़ेगा। मैंने कहा डॉट स्लैश यानी कि इस फोल्डर में, ठीक है, एक IMG के नाम से फोल्डर है, उसके अंदर है प्रोफाइल डॉट जी पी स्लैश डॉट स्लैश IMG के बाद प्रोफाइल पिक्चर, ठीक है जी। तो हमने इस तरह से लगा दिया। अब जाके देखते हैं जनाब अल्टरनेटिव टेक्स्ट में हम क्या कह देते हैं कि मैन इन सूट, ठीक है जी। और इसके भी हमने कह दिया कि 500 जो भी था, तो ये पड़ोस में इसके वो वाली फोटो भी आ गई, ठीक है जी। तो हमने बहुत सारे मार्कअप्स लगाना सीख लिए अभी तक। हमने हेडिंग्स वाले मार्कअप, फोटो वाले मार्कअप, पैराग्राफ वाले मार्कअप, बोल्ड करने वाले मार्कअप, ये सब चीजें हमने अभी तक देख ली है। अच्छा जी उमर, अपना सवाल पूछिएगा। सर मुझे ये पूछना था कि जब एक्चुअली अगर डॉट स्लैश जो CRC के SRC के अंदर लिखा है सोर्स के अंदर, अगर डॉट स्लैश ना लगाएं तो उसके लगाए बगैर क्या फोटो आ सकती है आपके पास प्रीव्यू में? अगर फॉर एग्जांपल हमारी इमेज डेस्क टॉप पर हो। अच्छा देखें, आपने दो सवाल पूछे हैं सर। आपने एक सवाल तो ये पूछा है कि क्या मेरी इमेज का उसी फोल्डर में होना ज़रूरी है, क्या वो डेस्कटॉप पे नहीं हो सकती, वहाँ से नहीं हम उठा के ला सकते? तो जनाब आपकी इमेज का आपके फोल्डर में होना ज़रूरी है। अच्छा, इस फोल्डर को ना, बाय द वे, जो मेरा मेन फोल्डर होता है जिसमें मैं प्रोजेक्ट बना रहा हूँ, इसका एक नाम होता है, इसको हम कहते हैं वर्किंग डायरेक्ट्री, ठीक है। ये नाम याद रखिएगा आप लोग, इसका नाम होता है वर्किंग डायरेक्ट्री। तो आपकी जो इमेज है, मैंने ये स्टेटमेंट दी है कि आपकी इमेज वर्किंग डायरेक्टरी के अंदर होना ज़रूरी है, बावजूद इसके कि आप डेस्कटॉप से भी उठा के ला सकते हैं उसको। आप पूरा यहाँ पे डेस्कटॉप स्लैश और सी ड्राइव और स्लैश करके दे दें, पता चल जाएगा उसको, मसला नहीं है। बट आमतौर पर होता ये है कि ये जो ऐप है ना, ये आपकी मशीन में नहीं चलती अल्टीमेटली, ये आप उसको भेजते हैं कहीं क्लाउड में, ठीक है ना। आप इसको कहाँ भेजते हैं, कहीं ना कहीं क्लाउड में आप इसको भेजते हैं उठा के यहाँ से, तो उनकी मशीन में ये चल रही होगी। जाहिर है उनकी मशीन में फिर डेस्कटॉप पे वो वाली फोटो तो नहीं होगी ना जो आपकी मशीन में मौजूद है, ठीक है। तो बावजूद इसके कि डेस्कटॉप से आप लिंक पूरा लगा सकते हैं, लेकिन आपका जो इमेज है, जो भी आप अपने फोल्डर में, अगर एक तो इंटरनेट पे ना, तो उसका तो URL है, वो तो मसला ही खत्म है। लेकिन अगर आपने ऐसा वाला लगाया हुआ है कि भाई एक फोल्डर है आपके पास, उसमें पड़ा हुआ है, तो उस फोल्डर का या उस इमेज के लिए ज़रूरी है कि वो आपकी वर्किंग डायरेक्टरी के अंदर मौजूद हो, ठीक है, ताकि जब अपना पूरा प्रोजेक्ट आप उठा के भेजें कहीं इंटरनेट पर, तो वो वर्किंग डायरेक्टरी के साथ साथ वो भी चला जाए, ठीक है, ताकि वहाँ पर भी उसको अवेलेबल हो। अच्छा, एक तो सवाल आपका ये हो गया। दूसरा सवाल आपने ये पूछा कि क्या मैं ये डॉट स्लैश ना लगाऊं, मतलब ये डॉट ना लगाऊं मैं, सिर्फ IMG स्लैश प्रोफाइल कर दूं, तो क्या जब भी मेरी इमेज चलेगी? इसका जवाब है हाँ, जब भी चलेगी इमेज, लेकिन मुझे क्या करना होगा, डॉट स्लैश यहाँ पे लगाना होगा। अच्छा, डॉट स्लैश मैं क्यों लगाना चाह रहा हूँ? वो इसलिए लगाना चाह रहा हूँ कि क्लाउड में जितनी भी जगहों पे हमारे पास कंप्यूटर्स लगे हुए हैं क्लाउड के, उनमें सबसे फेमस है लिनक्स, तो वो सब लोग ना लिनक्स के कंप्यूटर लगा के बैठे हैं, चाहे वो गूगल क्लाउड हो, चाहे वो AWS क्लाउड हो, ठीक है, चाहे वो हरिको हो, कोई लोकल किस्म का जो आपके पाकिस्तान में कोई ऐसी कंपनी हो जो क्लाउड सर्विसेज आपको दे रही हो, तो इन सब लोगों के पास लिनक्स की कंप्यूटर्स होते हैं, ठीक है। और लिनक्स के अंदर जो आपका URL लिखने का तरीका है ना, वो इस तरह से होता है, ठीक है, डॉट स्लैश लगाना पड़ता है उसमें। अच्छा, तो इसी वजह से हम ऐसे लिखते हैं, हम पूरा वो फॉलो करते हैं URL वाला तरीका, ताकि मैक्सिमम नंबर ऑफ मशीन्स पे ना ये सही चले, ठीक है। अगर हम इसको नहीं भी लिखते हैं ना, तो भी क्लाउड पे सही चलेगा, सही है क्लाउड, क्योंकि क्लाउड में इन चीज़ों को हैंडल किया हुआ होता है उन्होंने।
लेकिन अगर कहीं पर नहीं किया हुआ तो आपकी एप्लीकेशन ब्रेक हो जाएगी, ठीक है। तो इस वजह से हम डॉट स्लैश यहाँ पे लगाते हैं, ठीक है। मैक में ये जरूरी, क्योंकि मेरे पास अभी मैक मशीन है, मैक मशीन में डॉट स्लैश जरूरी नहीं है, आप नहीं भी लगाएंगे तो भी चलेगा ये, ठीक है। और विंडोज में भी जरूरी नहीं है, लिनक्स में भी कुछ में जरूरी है कुछ में नहीं है, बट लगा दें तो ज्यादा सही है। अच्छा जी, तो हमने क्या काम कर लिया अभी तक, हमने ये काम कर लिया है कि एक अदद फाइल बनाई है हमने HTML की, उसमें बहुत सारे मार्कअप्स को एक्सप्लोर किए हमने और उन मार्कअप्स को हम इसमें लगा लगा कर देख रहे हैं कि जनाब क्या रिपोर्ट है उसकी, ना मार्कअप्स क्या उसमें सही तरह से आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। अच्छा जी, ये हो गया, और मज़ीद कोई एक दो मार्कअप देखते हैं फिर हम इस टॉपिक को ख़त्म करते हैं। अच्छा, इमेज हम देख चुके हैं, ओके। अच्छा, लिस्ट के जो मार्कअप्स हैं उसमें बुलेट पॉइंट्स वगैरह ये चीज़ें, ठीक है। मिसाल के तौर पे लिस्ट वाले में सबसे पहले UL अनऑर्डर्ड लिस्ट, अनऑर्डर्ड लिस्ट का मतलब है बुलेट पॉइंट्स की तरह बना कर देगा आपको, ठीक है। तो मैं अनऑर्डर्ड लिस्ट में क्लिक किया, इसको मैंने कॉपी कर लिया एज इट इज, और कॉपी करके मैंने अपने पास ऐसे पेस्ट कर दिया, ठीक है जी। पेस्ट किया मैंने और मैं इसको आके देखता हूँ क्या बना है इसका, कुछ तो कुछ इस तरह से जो है ये मेरे पास प्रिंट हो गया स्क्रीन पर, अनऑर्डर लिस्ट, ठीक है। इसका कोई ऑर्डर नहीं है, बुलेट पॉइंट्स है। अच्छा, इसी तरीके से यहाँ पे ऑर्डर लिस्ट भी है एक, जिसका नाम है OL, ठीक है जी। तो मैं क्या किया, OL को मैंने कॉपी कर लिया, ठीक है, और OL को कॉपी करके इसी के नीचे पेस्ट कर दिया। अब OL को देखते हैं जरा कि किस तरह से वो प्रिंट हो रहा है। OL को देखें, इस तरह से प्रिंट हो गई है, 1, 2, 3 से लेके 50, 51, 52, ठीक है। तो जैसे आप उसको प्रिंट करना चाहें ऐसे करके प्रिंट कर सकते हैं आप। अच्छा, और हम देखते हैं जी मार्कअप कोई, अच्छा एक मार्कअप बड़ा अहम अभी रह गया, टेबल उसका नाम। अच्छा, टेबल के अंदर मैं गया और ये एक छोटी सी टेबल इन्होंने बनाई थी, इसको मैंने कॉपी किया और अपने कोड में मैंने एज इट इज उसको पेस्ट कर दिया, ठीक है जी। अब मैं देखता हूँ ये टेबल किस तरह से मेरे पास प्रिंट होती है, ठीक है। ये टेबल इस तरह से प्रिंट हो गई मेरे पास, मंथली सेविंग, मंथ का नाम और सेविंग उसके अगेंस्ट। इसमें मैं काम करता हूँ, कुछ एंट्रीज और बढ़ा देता हूँ, अभी बहुत थोड़ी सी है ना ये, तो मैं इसमें कुछ बढ़ा देता हूँ ताकि टेबल थोड़ी लंबी बन जाए, ठीक है। और मैं नाम भी चेंज कर देता हूँ, जनवरी, मार्च, अप्रैल, ठीक है। मैंने कहा भाई 1200, 400, 800, सेव, रिफ्रेश। तो आप देखेंगे टेबल बनी हुई आ गई यहाँ पे, ठीक है। ये बिल्कुल सीधे सीधे अलाइन हुई हुई है, इसके लिए मुझे कुछ करना नहीं पड़ा, ये मार्कअप ने सारा काम कर दिया। तो हमने देखा कि मार्कअप से ना सिर्फ हम किसी टेक्स्ट को बड़ा करके हेडिंग की तरह बना सकते हैं, बल्कि हम क्या कर सकते हैं, पूरी पूरी टेबल्स भी इससे क्रिएट कर सकते हैं मार्कअप से। अच्छा, तो हमने मार्कअप को जो जितना एक्सप्लोर किया है, मेरा ख्याल है इतना अगर आप एक्सप्लोर कर लें तो मार्कअप्स हमारे लिए सही रहेंगे बिल्कुल। अच्छा जी, अब इन मार्कअप्स को लेके अगर किसी का सवाल है तो वो काइंडली सवाल पूछ ले। मार्कअप्स को लेके किसी का कोई सवाल है तो पूछ सकता है। सर, एक फॉन्ट के बारे में, सो फॉन्ट इज नॉट सपोर्टेड इन HTML5 एंड दे आर सेइंग यूज CSS इंस्टेड, सो इन द एक्सरसाइज डू वी हैव एनी अदर फॉर्मेट ऑफ यूजिंग फॉन्ट्स और चेंजिंग द फॉन्ट। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जो फॉन्ट है वो अब हमें CSS के जरिए करना पड़ता है, वो हम HTML के जरिए अब नहीं कर पाते, ठीक है। तो आपको उसके लिए CSS ही करना पड़ेगा। अच्छा, मैं एक काम ये कर देता हूँ कि मैं फॉन्ट करके बता देता हूँ कि वो कैसे होगा, ठीक है। मिसाल के तौर पे मैं गया और मैंने कहा कि कोई भी एलिमेंट, मिसाल के तौर पे ये बी का एलिमेंट है या पैराग्राफ का एलिमेंट है या इमेज, इमेज में तो खैर टेक्स्ट नहीं होता,
या इनमें से हेडिंग में से किसी एक का एलिमेंट है, मैंने हेडिंग टू को ना कहा कि अब इसका मैं फॉन्ट चेंज करूँगा, तो मैं उसी तरह से आईडी इसको प्रोवाइड करके मैं इसको कह सकता हूँ कि हेड टू, ठीक है, ये मैंने इसको एक यूनिक आईडी प्रोवाइड कर दी और इस आईडी के जरिए अब मैं इसका फॉन्ट भी चेंज कर सकता हूँ, ठीक है। उसके लिए मुझे करना क्या होगा, सिंपल सा काम, छोटा सा स्टाइल का टैग ओपन क्लोज और मैंने कहा हैश साथ में है टू और मैंने कहा फॉन्ट, ठीक है। फॉन्ट साइज, फॉन्ट साइज तो खैर मेरा ख्याल है चेंज करना मुनासिब नहीं है, वो पहले से ही एच टू पे है तो एक खास किस्म का साइज उस पर पहले से अप्लाई हुआ है, बट अगर मैं चेंज करूँगा वो चेंज होगा, तो मैंने उसको कहा कि फॉन्ट मुझे फैमिली चेंज करना है, ठीक है। और फॉन्ट फैमिली चेंज करके मैंने कहा कि इसको कर दिया जाए कोरियर न्यू, ठीक है। कोरियर वाला साउंड फॉन्ट कैसा होता है, जो टाइपराइटर का टाइप हुआ हुआ फॉन्ट होता है उस तरह का दिखता है। तो देखते हैं कि ये फॉन्ट ये चेंज हो गया है, ठीक है। तो इस तरह से ये फॉन्ट चेंज होता है। खैर, तो हम सी एस एस बट इस क्लास में हम कवर नहीं कर रहे हैं। सी एस एस आप खुद से चाहें तो एक्सप्लोर कर सकते हैं। अच्छा, हम मार्कअप्स भी क्यों सीख रहे हैं, मार्कअप्स की हमें इस क्लास में ज़रूरत नहीं है अभी इस वक्त, ठीक है। हम जावास्क्रिप्ट सीखना चाह रहे हैं, लेकिन हम मार्कअप्स को थोड़ा सा एक्सप्लोर इस वजह से कर रहे हैं क्योंकि इनपुट लेने के लिए हमने मार्कअप का इस्तेमाल कर लिया, इनपुट या बटन। तो अगर हमें दो चार मार्कअप्स और भी बताऊँ इनके अलावा तो अच्छा है, बेहतर है, ठीक है। और ये वाली जो चीज़ है ना कि फॉन्ट वगैरह चेंज करना, कलर चेंज करना, तो ये तो बहुत ईजी है। आप अगर आपको कभी ज़रूरत पड़ भी जाए ये चीज़ें करने की, तो आप बहुत ईजिली इसको सर्च करके इंटरनेट पे आप देख सकते हैं कि इसको कैसे किया जाता है, ठीक है। या मे बी हम इन फ्यूचर इसको थोड़ा मज़ीद देख लें, मज़ीद पढ़ लें, हम बिल्कुल कर सकते हैं। अच्छा, तो अब जाहिर है कि हमने इनपुट लेने के लिए मार्कअप का इस्तेमाल कर लिया है, तो हम अब जितने भी मज़ीद टास्क बनाएंगे फ्यूचर में, हम उसमें क्या करेंगे के इनपुट इस तरह से लेंगे जैसे हमने आज सीखा है, और इनपुट लेने के अलावा उसमें अगर कोई हेडिंग्स भी लिखी हुई हो, अगर कोई पैराग्राफ भी लिखा हुआ हो साथ में उस ऐप के बारे में, जो भी ऐप आप बना रहे हैं, तो ये अच्छा रहेगा। तो इसलिए हम ये मार्कअप सीख रहे हैं। अच्छा जी, हमारे पास अभी है तकरीबन हाफ आवर बचा है हमारे पास। अच्छा जी, इस हाफ आवर में अब मज़ीद क्या किया जाए, एक छोटी सी चीज़ मुझे और जहन में आ रही है कि वो भी कर सकते हैं। अच्छा, क्या कर सकते हैं भाई? तो आज की क्लास में हमने टोटल दो टॉपिक्स कवर कर लिए हैं ऑलरेडी। नंबर एक टॉपिक हमने क्या कवर किया है कि इनपुट लेने का एक नया तरीका सीखा है और उसी तरीके से फिर आउटपुट भी दिया, तो इनपुट आउटपुट का एक नया तरीका आज हमने डिस्कवर किया है। नंबर एक चीज़ हमने ये सीखी। नंबर दो चीज़, हमने कुछ एडिशनल मार्कअप्स को डिस्कवर किया है जो कि HTML की जो मार्कअप लैंग्वेज है उसमें मौजूद है, जो मोस्टली यूज्ड है। अच्छा, उसके साथ साथ आपको एक असाइनमेंट भी उसके साथ मिल गया है। वो असाइनमेंट क्या है कि आप जब भी अगली क्लास से पहले पहले आप एक ऐसा आपको बताया जाएगा कि असाइनमेंट की सबमिशन कैसे करनी है, एक गूगल फॉर्म आपको मिल जाएगा, उस गूगल फॉर्म में ना आपको बना के वो पुश करना है, ठीक है। मैं जो भी आपका गिटहब की रिपॉजिटरी है उसको पुश करना है उसके अंदर, वो भी मैं बता दूंगा कि वो किस तरह से होता है। अच्छा, तो ये वाला काम हो गया, आपको दो टॉपिक्स पढ़ लिए, एक असाइनमेंट आपको मिल गया। अब तीसरा काम जो है ना कि ये जो बन चुका है मेरे पास, सीवी आपने बना ली, एक अपना अपने रिज्यूमे बना लिया आपने, अच्छा तो क्या आप मुझे कोड भेजेंगे पूरा? नहीं, मेरे पास कोड रीड करने का टाइम नहीं है, ठीक है। बहुत सारे लोग हैं और कोड रीड करने का टाइम किसी के पास भी नहीं होता। कल को आप कहीं जॉब करने के लिए जाएंगे, वो आपसे कहेगा जी आपने क्या किया अभी तक मुझे दिखाएं आप, तो आप उसको कोड खोल के नहीं दिखाएंगे, कोड खोल के देखने में उसको बहुत टाइम लगेगा, और लोगों के पास इतना टाइम आमतौर पर नहीं होता कि वो आपके कोड को रीड करे या उसको देखे, ठीक है, या इवन उसको चला कर रन करके देखे, इतना भी टाइम नहीं होता। तो आपको क्या देना है, उसको एक ऐसा लिंक देना है कि वो ओपन करे और सब कुछ सामने खुल के खुद ही आए, ठीक है। तो हम आज ये सीखेंगे कि ये जो मेरी जो
वेबसाइट है, ये जो मेरा एक HTML का पेज है जो मैंने बना लिया है, इसको इंटरनेट पे होस्ट कैसे करूं मैं, और उसका मुझे एक लिंक मिल जाए कि वो क्लिक करते ही लोगों के पास ये खुल के सामने आ जाए, ठीक है? तो वो हम अभी सीखने जा रहे हैं। तो आप जो असाइनमेंट बनाएंगे, अपना जो CV जो बनाएंगे आप, उसमें भी आपके लिए ये मैंडेटरी होगा कि आप ना सिर्फ वो कोड लिखें बल्कि उसको इंटरनेट पे होस्ट करके आप मुझे एक लिंक भेजेंगे आप गूगल के फॉर्म में, ठीक है? ताकि मैं क्लिक करूं, देखूं अच्छा भाई गुड अच्छा बना है, ठीक है, और फिर मैं अगले में मूव करूं। अच्छा, उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे गिटहब में जाना पड़ेगा। ये है github.com, ठीक है जी, github.com पे चलेंगे। अच्छा, github.com पे जैसे ही गया तो ये मेरे पास मेरी GitHub की प्रोफाइल, जैसा कि आप यहाँ कॉर्नर पे देख सकते हैं, मैं पहले से लॉग इन हूँ, तो मुझे ये क्या दिखा रहा है, मेरी प्रोफाइल मुझे ये दिखा रहा है, ठीक है जी। तो मैं अपनी प्रोफाइल के अंदर रिपोजिटरीज के सेक्शन में चला जाता हूँ, ठीक है, ये मेरी रिपोजिटरीज हैं जो यहाँ पे आप देख सकते हैं। अच्छा, अब इन रिपोजिटरीज के अंदर मैं एक अलग रिपोजिटरी बनाना चाह रहा हूँ, जिसके जरिए मैं क्या करूँगा, बल्कि मेरा ख्याल है ये शायद थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। सलील क्या ख्याल है, ये पढ़ा दिया जाए या आज ज्यादा तो नहीं हो गया आज के टॉपिक के लिए? नहीं, आई थिंक दिस इज लाजमी, दिस इज परफेक्ट विद इट, बिकॉज़ दिस गोज वेल विद व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू, सो आई थिंक दिस गोज वेल। अच्छा, तो खैर ठीक है, हम कंटिन्यू करते हैं। अगर काइंडली किसी को समझने में दुश्वारी हो तो ये वाली क्लास की रिकॉर्डिंग अवेलेबल रहेगी आप लोगों के पास, तो काइंडली अगर किसी को समझने में दुश्वारी हो तो वो मुझसे क्लास के आखिरी 15 मिनट में सवालात भी पूछ सकता है, और इस वीडियो की रिकॉर्डिंग भी आपके पास अवेलेबल रहेगी, तो आप उसको बार बार भी देख सकते हैं अगर आपको किसी स्टेप में इश्यूज आ जाए। अच्छा, तो मैंने कहा एक न्यू रिपोजिटरी, ठीक है, वन न्यू रिपोजिटरी, और मैंने इसको नाम दिया कि माय फर्स्ट वेबसाइट, ठीक है, और डिलीट दिस, मैं डिलीट दिस इसके टाइटल में इसलिए लगा रहा हूँ कि बाद में मैं इसको डिलीट करूँगा। अच्छा, और मुझसे इसने कुछ सवालात पूछे कि भाई वो पब्लिक होगी रिपोजिटरी, मैंने कहा ठीक है पब्लिक होगी, ठीक है, प्राइवेट आपको इसको नहीं करना है, अगर आप प्राइवेट कर देंगे तो फिर होस्टिंग आपको ये नहीं करने देगा, पैसे मांगेगा फिर आपसे। मैंने कहा क्रिएट रिपोजिटरी, ठीक है जी, रिपोजिटरी आपकी क्या हो गई, क्रिएट हो गई। अच्छा, जैसे ही आपकी रिपोजिटरी क्रिएट हुई तो इसने आपसे क्या कहा कि भाई क्विक सेटअप, इफ यू हैव डन दिस काइंड ऑफ थिंग बिफोर, तो आपके लिए ना ये सब क्रेडेंशियल मौजूद है आपके पास, आप ऐसे करें, ठीक है, बट अभी आपको गिट तो चलाना नहीं आता, आपको गिट चलाना नहीं आता तो अब कैसे करेंगे इसको, तो इसके लिए एक आसान तरीका भी मौजूद है कि अपलोड एन एग्जिस्टिंग फाइल, ठीक है, आप क्या करेंगे, अपलोड एन एग्जिस्टिंग फाइल पे क्लिक करेंगे, ठीक है, और आपको यहाँ पे फाइल अपलोड करने का ये ऑप्शन दे रहा है, ठीक है, तो आप यहाँ पर अपनी index.html की जो फाइल है वो अपलोड कर देंगे। आपकी फाइल का नाम index.html होना जरूरी है, अगर आपकी फाइल का नाम index.html नहीं होगा ये काम नहीं करेगा, ठीक है जी। तो मैं क्या करता हूँ जनाब, मेरे पास ना दो असल में फाइलें बनी हुई हैं, तो मैं इनको दोनों को क्या कर सकता हूँ, म्यूट ऑल, दोनों को मैं इंडेक्स का नाम नहीं दे सकता, तो मैं इसका एक जुगाड़ निकालता हूँ, मैं इसका एक जुगाड़ ये निकालता हूँ कि मैं इसको क्लास 3B कर देता हूँ, ठीक है, 3B कर दिया मैंने इसको, ठीक है जी, और क्लास 3 का कोड अलग हो चुका है और क्लास 3B का कोड अलग हो चुका है, ठीक है, तो अब मैं इसको क्या कर सकता हूँ, index.html कर सकता हूँ, ठीक है जी। तो क्लास 3 को मैंने क्लोज कर दिया, क्लास 3B, अब आप नोट कीजिए क्लास 3B के अंदर अगर आप देखें तो मेरा सिर्फ एक मार्कअप का पेज है, ठीक है, ये मेरे मार्कअप्स लिखे हुए सारे, इसका नाम index.html होना जरूरी है, ये हमेशा बात याद रखिएगा, अगर आपने इसका नाम कुछ और रखा तो आपको दुश्वारी का सामना करना पड़ेगा। अच्छा, img के अंदर प्रोफाइल करके मेरे पास इमेज मौजूद है, ठीक है, मैंने सेव किया इसको सब कुछ,
और सेव करने के बाद अब ये पूरा फोल्डर उठा के मैं क्या करना चाह रहा हूँ, वहां पे भेजना चाह रहा हूँ। लेकिन पूरा फोल्डर भेजने से पहले मैं क्या करूँ, एक index.html की फाइल तो पहले भेजूँ। तो मैं गया चूज योर फाइल। अच्छा जी, मेरा प्रोजेक्ट कहाँ पे पड़ा हुआ है, ये क्लास AI chatbot online class 3B और index.html, ठीक है, यही है वो फाइल है मेरी। देखें थोड़ा सा इसने प्रीव्यू भी दिखा दिया मुझे इस जगह पे कि हाँ भाई किस तरह की वो फाइल है, और मैंने ओपन का बटन दबा दिया, ठीक है जी। तो ये फाइल मेरे पास क्या हो रहा है, अपलोडिंग 1 out of 1 फाइल। अपलोडिंग मेरी कंप्लीट हो गई। अपलोडिंग कंप्लीट होने के बाद मैंने क्या कहा कि कमिट चेंजेस, ठीक है, इस चेंजेस को मैंने पुश कर दिया वहां पर। अच्छा, अब आप नोट कीजिए कि मेरे पास index.html के नाम से एक फाइल यहाँ पर आ चुकी है, ठीक है। अच्छा, अभी ये फाइल होस्ट नहीं हुई है, अभी ये जस्ट आपके GitHub में पुश हुई है। जैसा कि मैं हर क्लास का कोड आपको GitHub की रिपोजिटरी में पुश करके देता हूँ, इसी तरह से ये पुश हुई है कोड, जो मेरी फाइल है वो रिपोजिटरी में पुश हो गई है। उसके बाद आपको जाना है सेटिंग के अंदर, ठीक है। सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पे पेजेस के नाम से एक ऑप्शन है, पेजेस के ऑप्शन में गया और यहाँ पे मैंने कहा कि भाई GitHub पेजेस इज करंटली डिसेबल्ड, ऐसे करके यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है कि GitHub पेजेस अभी इस्तेमाल नहीं हो रहा है, अभी बंद है। तो मैंने इसको मेन पे सेलेक्ट कर दिया। अच्छा, ये मेन क्या चीज़ है, ये आपको यहाँ पे दिख रहा भी होगा अगर मैं बैक करूँ इस जगह पे, तो ये मेरी ब्रांच है, मेन ब्रांच। अगर आपको मेरा कर्सर दिख रहा है तो यहाँ पे मेन ब्रांच लिखा हुआ आ रहा है, तो ये एक डिफॉल्ट मेन ब्रांच होती है। अच्छा, ब्रांचेस क्या होती हैं, उनका क्या इस्तेमाल होता है, ये हम बाद में सीखेंगे, इस पर अभी हम गौर नहीं करना चाह रहे। बट एक चीज़ याद रखें कि ये मेन ब्रांच है मेरी। तो वो मुझसे असल में इसी बारे में पूछ रहा है कि कौन सी ब्रांच का कोड आप चाहते हैं कि होस्ट हो जाए। तो मैं दोबारा से गया पेजेस में, और पेजेस में जाने के बाद मैंने कहा कि जनाब जो मेन ब्रांच है मेरी उसी पे मुझे चाहिए। अच्छा, सेकंड वाला जो ऑप्शन है रूट, इसको मैं रूट ही रहने दूंगा, इसको चेंज करने की जरूरत नहीं है, और मैं सेव का बटन दबाऊंगा यहाँ पे, ठीक है जी। जैसे ही मैं सेव का बटन दबाऊंगा, इसने मुझे क्या किया, एक अदद URL मुझे प्रोवाइड कर दिया। ये URL मेरी वेबसाइट का URL है, ठीक है जी। इसको मैंने ओपन किया। अच्छा, थोड़ा सा इसको सम टाइम वक्त लगता है लाइव होने में, तो अगर आपको शुरू में इस तरह का पेज दिखे तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप थोड़ा सा वेट कीजिएगा, ठीक है। अच्छा, या वेट कीजिएगा या फिर इसके लास्ट में index.html लगाएंगे आप, तो ये फौरी तौर पे ये ओपन भी हो जाएगा, ठीक है। बट ये index.html आपको हर दफ़ा लगाने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ी देर में ये सेट हो जाएगा, ठीक है जी। अच्छा, तो आपने देखा कि ये मेरे पास एक वेबसाइट खुल के ओपन हो चुकी है। अच्छा, मैं आपको चैट में ये वाला URL दे रहा हूँ, आप इस URL पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके पास भी यही वेबसाइट इसी तरह से खुल के ओपन हो जाएगी, ठीक है, जस्ट टू मेक श्योर कि ये वाकई इंटरनेट पे अपलोड हो चुकी है। अच्छा, तो मीन टाइम के जब आप ये वेबसाइट अपने पास खोल कर देख रहे हैं, तो आप एक चीज नोट कीजिएगा कि जो सेकंड वाली इमेज थी मेरी वो लोड नहीं हुई है, ठीक है। सेकंड वाली इमेज लोड नहीं हुई है, उसकी जगह पे क्या लिखा हुआ आ गया है कि भाई अ मैन इन सूट। अच्छा, अ मैन इन सूट क्या चीज था, जो मैंने अल्टरनेटिव टेक्स्ट लिखा था, तो किसी वजह से ये इमेज अपलोड लोड नहीं हो पाई है। अच्छा, वो क्या वजह है, वो वजह ये है कि भाई मैंने तो यहाँ पे वो भेजा ही नहीं है अभी तक, ठीक है, इस वजह से वो लोड नहीं हो पाई है मेरी इमेज। ठीक है जी, क्या हुआ है। अच्छा, तो मैं जी दोस्त, जो सवाल पूछ रहा है सिर्फ वो अपना माइक ओपन करे, बाकी लोग ना करें। सर, आई वॉज सेइंग के अगर आप कोई एक ऐसा सेशन रख लें जिसमें आप गिट के बेसिक्स हमें समझा दें तो इट वुड बी इजी, आई गेस। हाँ, ये मैं सेशन नहीं रखूंगा इसका, मेरे पास एक रिकॉर्डेड वीडियोस हैं, वो आज की क्लास के एंड में आपको मैं दे दूंगा, वो आपको खुद से देखनी है वो वीडियोस, ठीक है। ठीक है सर।
ठीक है आज नहीं दूंगा बल्कि आज या कल, जैसे अभी देखते हैं सिचुएशन कहां तक पहुंचती है, मैं आपको वीडियोस दे दूंगा। हाँ ठीक है सर, जैसे भी, जैसे आप कंफर्टेबल हो। अच्छा जी अब्दुल समद आप पूछिएगा सवाल। सर ये गिटहब पे लिंक कैसे बनी थी? ये गिटहब पे लिंक इस तरह से बना था कि मैंने एक रिपोजिटरी क्रिएट की है एक खास नाम से, मतलब खास नाम नहीं, मेरी मर्जी का नाम था। मैंने सर मुझे गिटहब यूज करना आता, सिर्फ लिंक पूछ रहा हूँ। गिटहब यूज करना आता है, लिंक पूछ रहा हूँ, ठीक है मैं बता रहा हूँ। मैंने रिपोजिटरी क्रिएट की, उसमें अपनी फाइल अपलोड की, तुम्हें गिट यूज़ करना आता है तो तुम अपनी फाइल अपलोड कर सकते हो। फाइल का नाम index.html होना ज़रूरी है। उसके बाद मैं सेटिंग में गया, सेटिंग में जाने के बाद मैं पेजेस में गया, और पेजेस में जाने के बाद यहाँ पे ये नन हुआ हुआ था, इसको मैंने उठा के मेन ब्रांच सेलेक्ट कर दी, तो वो जैसे ही सेलेक्ट करके सेव किया मेरे पास लिंक जनरेट हो गया। जी अरहम अरम आपने हैंड रेस किया है, प्लीज सवाल पूछ सकते हैं अपना। अच्छा मेरे ख्याल है ये इनका गलती से हैंड रेस हो गया। अच्छा तो जी हमने ये लिंक तो जनरेट करवा लिया, अब हम क्या करते हैं कि इसमें वो इमेज वाला फोल्डर भी तो रखना है ना, क्योंकि हमारा क्या है एक फाइल आई है वो इमेज वाला फोल्डर नहीं है तो इमेज शो नहीं हो रहा है हमारे, ठीक है। तो मैंने अपलोड फाइल का बटन दोबारा से बनाया, ठीक है जी, और मैंने कहा कि इमेज का पूरा पूरा फोल्डर, ये क्या हुआ, अच्छा मैंने करना क्या था कि वो इमेज का जो फोल्डर है ना वो पूरा यहाँ पे लाके इसको मैंने ड्रैग किया, इमेज के फोल्डर को मैंने ड्रैग क्यों नहीं हो रहा, ये मैंने ड्रैग किया और यहाँ पे लाके इसको छोड़ दिया, ठीक है आईएमजी के फोल्डर को। तो उससे क्या हुआ कि मेरा आईएमजी का फोल्डर और उसके अंदर जो भी कुछ था वो सब इसमें अपलोड हो जाएगा, और मैंने कमिट चेंजेस का बटन दबाया, ठीक है कमिट चेंजेस का मतलब कि उसको सेव कर रहे हैं। अच्छा अब अगेन जाकर अगर मैं वही वाला URL ओपन करूंगा तो अब मुझे वो पिक्चर भी साथ में नजर आनी चाहिए जो इससे पहले नहीं नजर आ रही थी। Why you are not showing up this image? मैं कैसे क्लियर करके जरा इसको रीलोड करने की कोशिश करता हूँ ताकि मुझे वो ठीक है जी। अब मेरे पास दोनों इमेज नजर आ गई है। असल में गूगल क्रोम पे क्या होता है कि जब आप एक दफा कोई वेबसाइट खोलते हैं ना तो वो कुछ देर के लिए या कुछ घंटों के लिए वो कैशे कर लेता है, वो स्मार्ट कैशे होता है इनका, इनको पता होता है। स्क्रीन स्टॉप हुई भी है? नहीं, शेयर तो मेरे पास हुई भी है, स्क्रीन शो नहीं हो रही है। अच्छा सलील आपके पास स्क्रीन शो हो रही है? नहीं, स्क्रीन शेयरिंग इज ऑफ। स्क्रीन शेयरिंग एक दफा अपने पास से स्टॉप करके दोबारा से स्क्रीन शेयर इनेबल करता हूं। जी तो ब्लैंक स्क्रीन दिखाई दे रही है, कह रहे हैं कि यू आर शेयरिंग द स्क्रीन। Yes, we can now see you. Yes, yes. ठीक है जी। तो मैंने क्या किया कि ये फोल्डर, अच्छा फोल्डर अपलोड करने वाला पार्ट जो था वो आपको दिख रही थी उस वक्त स्क्रीन? सलील बताएं प्लीज। नहीं दिख रही थी। अच्छा तो मैं काम करता हूँ, इस इमेज का जो फोल्डर है उसको मैं डिलीट कर दोबारा से इसको अपलोड करना सिखा देता हूँ। डिलीट डायरेक्टरी, ठीक है जी। डिलीट करने का भी तरीका, बल्कि डिलीट करना भी शुरू से बताता हूँ दोबारा। अगर किसी भी फोल्डर को या फाइल को डिलीट करना हो
फोल्डर पहली बात आप यहाँ से डिलीट नहीं कर सकते, ठीक है ना, क्योंकि लिनक्स में ना फोल्डर नाम की कोई चीज़ नहीं होती, ठीक है, लिनक्स में फाइल ही सब कुछ होती है। तो आप किसी भी फोल्डर के अंदर अगर सारी फाइलें आपने डिलीट कर दी ना, तो ऑटोमेटिक वो फोल्डर भी डिलीट हो जाता है, ठीक है। तो आपने कहा डिलीट डायरेक्टरी भी कर सकते हैं, इस तरह पूरी डिलीट डायरेक्टरी हो जाएगी। और आपने कहा कमिट चेंजेस, ये अभी देखना बंद हो गया है आपका, स्टॉप हो गया है, वो हैंग हो गया है। सलील अभी तक स्टॉप है आपके पास? जी अभी तक हैंग अप है। सो सर आपका कर्सर भी मूव नहीं हो रहा है। आई एम नॉट श्योर बिकॉज़ मेरे पास से बिल्कुल शेयरिंग ओके है और इंटरनेट भी सही चल रहा है मेरे पास। हमारे यहाँ पे इट हैज स्टक अप एसेंशियली। अभी अभी मूव हो रही थी। चल रहा चल रहा। अब चल रही है, अब चल रही है। ओके। यस, वी कैन सी यू मूविंग अराउंड। ओके, सो अब मैं जा रहा हूँ ऐड फाइल के बटन पे क्लिक करने, ठीक है, और मैंने अपलोड फाइल का बटन प्रेस किया, आपको इतना दिखा? यस, ठीक है, अपलोड फाइल। अच्छा, अब मैं सिंगल फाइल अपलोड नहीं करना चाह रहा हूँ, मैं फोल्डर अपलोड करना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो मैं फोल्डर अपलोड करने के लिए सिंपली क्या कर सकता हूँ कि फोल्डर को ड्रैग करके यहाँ पे लाके मैं उसको ड्रॉप करूंगा तो वो पूरा फोल्डर अपलोड हो जाएगा, ठीक है जी। तो मैं अपना फोल्डर पहले तलाश करता हूँ, वो कहाँ पर है जो मुझे अपलोड करना है। डेस्कटॉप क्लास ऑनलाइन क्लास 3B और ये IMG का वो फोल्डर है जिसको मुझे क्या करना है वहाँ पे अपलोड करना है। तो मैंने इसको ड्रैग कर लिया और ड्रैग करने के बाद मैंने इसको यहाँ पे लाके ड्रॉप कर दिया, ठीक है। तो आप नीचे देखें जितनी भी फाइलें थी उस फोल्डर में वो सब इसने पिकअप कर ली है नीचे और अपलोड होके कम्प्लीट हो गई। अब मुझे नीचे सेव का बटन दबाना है, कमिट चेंजेस। इन्होंने सेव का नाम थोड़ा अलग रखा हुआ है, कमिट चेंजेस रखा हुआ है, ठीक है। तो मैंने कमिट चेंजेस का बटन दबा दिया, तो मेरे पास क्या हो गया, ये चेंजेस कमिट हो गई और ये इमेज मेरे पास अपलोड हो गई, ठीक है जी। तो चूंकि मैंने पहले इमेज का फोल्डर अपलोड नहीं किया था तो इसकी वजह से मुझे एक इमेज जो मेरे फोल्डर वाली इमेज थी वो नज़र नहीं आ रही थी, तो अब मुझे वो इमेज भी नज़र आनी चाहिए। तो मैं अब चैट में जाता हूँ और चैट में से जाके वही जो URL मैंने भेजा था आपको उसको ओपन करता हूँ, तो मेरे पास ये वो वाली इमेज भी नज़र आना शुरू हो गई है। अच्छा, काइंडली ये प्लीज़ याद रखिएगा कि जब हम गूगल क्रोम में कोई पेज खोलते हैं तो वो थोड़ी देर के लिए कैशे कर लेता है अपने पास, ठीक है। तो आपको क्या करना पड़ सकता है, समटाइम अगर जैसे मैंने इमेज अपलोड कर दी थी उसके बाद भी कुछ देर तक ये सेकेंड वाली इमेज मुझे नहीं नज़र आ रही थी, ठीक है। तो गूगल क्रोम ने क्या समझ लिया था कि भाई ये इमेज तो नहीं है अवेलेबल, तो उसने ना अपने पास ये डेटा सेव कर लेता है, कैशे कर लेता है कि भाई ये इमेज तो नहीं मिली। तो आपको क्या करना होता है, आपको राइट क्लिक करके ऐसे इंस्पेक्ट एलिमेंट में आप जाते हैं, ठीक है, ये डेवलपर ऑप्शन खुल जाता है इसके अंदर। तो जैसे ही ये डेवलपर ऑप्शन खुल जाता है तो अपलोड के बटन पे ना जब आप राइट क्लिक करते हैं तो आपको तीन ऑप्शन दिखाता है, तीन अलग अलग तरह के रीलोड दिखाता है। एक है नॉर्मल रीलोड, ठीक है, जो नॉर्मल यूजर जब प्रेस करते हैं तो ये वाला रीलोड होता है। एक होता है हार्ड रीलोड, हार्ड रीलोड में क्या होता है कि सारी चीज़ों को कट करके वो रीलोड करता है। एक होता है एम्प्टी कैशे एंड हार्ड रीलोड, ठीक है, कि जो भी कैशे में पहले से याद किया बस आप भूल के दोबारा से पूरी वेबसाइट को अपडेट करो। तो ये आप लास्ट वाला ऑप्शन जब करेंगे तो वो सारी चीज़ों को भुला के और नए सिरे से देखें, आप ये दोबारा से गायब हो गया मेरे पास, ठीक है। क्योंकि जब हम गिटहब पेजेस में कोई भी चीज़ लाइव करते हैं तो उसको कुछ वक्त लगता है उसको प्रोसेस करने में, ठीक है। तो अभी तक शायद वो प्रोसेस नहीं हुई है तो ये दोबारा से मेरे पास इमेज वो गायब हो चुकी है, ठीक है। तो मैं थोड़ी देर वेट करूंगा, थोड़ी देर में ये मुझे दोबारा से शो होना है स्टार्ट हो गई, ठीक है। अच्छा, शो हो गई मुझे दोबारा से। अच्छा जी, तो अब मेरे पास 15 मिनट बचे हैं। काइंडली सब लोग मुझे बताएं कि ये जो होस्टिंग का प्रोसेस था ये आप लोगों को समझ आया, किसी को अगर इसमें कोई प्रॉब्लम है। अब्दुल समद का मैसेज आ रहा है कि कैन आई लीव? नो भाई, अभी कहाँ से लीव। अगर इस
अगर इस टॉपिक को लेके किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो काइंडली मुझसे पूछ सकता है कि अगर ये होस्टिंग वाली चीज़ किसी को समझ नहीं आई, सर सही से समझ नहीं आया कि हमें लिंक कैसे बनाया, ठीक है, मैं लिंक बनाने का तरीका दोबारा से बता देता हूँ आपको एक दफ़ा, नो प्रॉब्लम। मैं गिटहब की उस रिपॉजिटरी में इसका एक दफ़ा फास्ट ओवरव्यू दे दें, फास्ट ओवरव्यू दे दें सर इसका। यस सर, अच्छा मैं काम करता हूँ, पूरी रिपॉजिटरी को डिलीट करके एक दफ़ा और बना के दिखाता हूँ, ठीक है, जल्दी जल्दी। जी सर ये ठीक रहेगा। तो मैं इस रिपॉजिटरी को सबसे पहले कर देता हूँ डिलीट, डिलीट दिस रिपॉजिटरी, और मुझे क्या टाइप करना होगा यहाँ पे, ये बात टाइप करनी होगी जब मुझे ये डिलीट करना है, ठीक है, पासवर्ड भी मांग लेना मुझसे। अच्छा तो मैंने पूरी रिपॉजिटरी को डिलीट कर दिया, ठीक है जी, मैंने कहा न्यू रिपॉजिटरी, मैंने कहा माई फर्स्ट वेबसाइट डैश डिलीट दिस, ठीक है जी, और मैंने क्रिएट रिपॉजिटरी कर दिया जिससे ये रिपॉजिटरी क्रिएट होगी। अच्छा अब मुझे चूंकि इसमें फाइल अपलोड करनी है, मुझे कमांड लाइन के जरिए या गिट हब को जिस तरह एक्चुअली यूज किया जाता है वो मुझे नहीं आता, अभी हमने नहीं सीखा वो, तो हम अपलोड एग्जिस्टिंग फाइल का बटन दबा के एक यूजर फ्रेंडली तरीके से इसमें फाइलें अपलोड करते हैं, ठीक है जी। तो मैंने सबसे पहले क्या किया, इंडेक्स डॉट एच टी एम एल को सेलेक्ट कर लिया, एक और दफा चूज फाइल करके ये आई एम जी का पूरा फोल्डर जो था इसको ड्रैग करके यहाँ ला के छोड़ दिया, ठीक है, तो उससे क्या हुआ मेरे पास इंडेक्स की फाइल और img का जो फोल्डर था वो दोनों चीजें यहाँ पर आ गई। कमिट चेंजेस का बटन दबाया मैंने तो आप देख सकते हैं कि प्रोसेसिंग कर रहा है कुछ काइंड ऑफ, अच्छा तो ये इसने फाइल यहाँ पे अपलोड कर दी है। अच्छा ये फाइल अपलोड करने के बाद अभी ये गिटहब में पहुंच चुकी है। अच्छा गिटहब क्या है, कुछ लोग पूछ रहे हैं कि गिटहब में और बाकी वैसे करने में क्या डिफरेंस है, तो जी डिफरेंस देखें ये है कि जितने भी इस वक्त लोग काम कर रहे हैं जो प्रोफेशनली सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, उनको कोलैबोरेशन की ज़रूरत पड़ती है कि दो चार लोग आपस में मिल के काम करें, तो ऐसे में क्या होता है कि आप को कोड शेयर करने की जरूरत पड़ती है दूसरे लोगों से, या दूसरे लोगों का कोड आपको इस्तेमाल करने की जरूरत पड़ती है, तो आप क्या उसको गूगल ड्राइव में उसको भेजेंगे आप कोड, या कैसे भेजेंगे, कोई ना कोई तरीका तो होना चाहिए, तो गिटहब वो तरीका है जिसमें सेफली और एफिशिएंटली आपका कोड शेयर हो जाता है। आप यूएसबी के जरिए भी कर सकते हैं लेकिन वो इतना अच्छा एक्सपीरियंस नहीं है उसका कि यूएसबी के जरिए आप कोड शेयर करें, तो कोड शेयर करने के लिए गिटहब इज द बेस्ट वे। अच्छा उसके बाद फिर बहुत सारा कोड इसमें ऐसा भी है जो लोग शौकिया लिखते हैं, हॉबीस्ट के तौर पे वो कोड लिखते हैं और वो पब्लिक कर देते हैं उसको, बाकी दूसरे लोग उससे फ़ायदा उठाते हैं। इस वक्त दुनिया में बहुत सारे इस तरह के ओपन सोर्स प्रोजेक्ट्स हैं, इवन जो गूगल क्रोम अभी मेरे सामने खुला हुआ है ये भी क्रोमियम के नाम से ओपन सोर्स एक प्रोजेक्ट है जो कि गूगल वालों ने एक तो खुद इस्तेमाल कर लिया, खुद इस्तेमाल करने के बाद इन्होंने कहा चलो भाई सब लोगों के लिए पब्लिक है, फ्री में इस्तेमाल, ठीक है, तो यही वजह है। आप देखें इस वक्त माइक्रोसॉफ्ट एज है वो भी क्रोमियम पे आ चुका है, जैसा कि लास्ट क्लास में सलील ने हमें बताया था, तो मैंने देखा वो वापस क्रोमियम पे जा चुके हैं। इसी तरह ओपेरा है एक ब्रेव ब्राउजर के नाम से, तो ये जल्दी जल्दी लोग इतनी स्पीड में ब्राउजर कैसे बना रहे हैं, वो इसी वजह से बना रहे हैं कि क्रोमियम एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, गूगल ने कहा है कि चलो ठीक है हमने यूज कर लिया अब हमारा काम खत्म हो गया अब आप उसको फ्री कर लो, तो ओपन सोर्स बहुत सारे इस तरह के प्रोजेक्ट्स मौजूद हैं, जैसे कि मैं ये जो कोड लिख रहा हूँ ये भी सब लोगों को अवेलेबल होता है, ठीक है, मैं जो और क्लासेस पढ़ा रहा हूँ जहाँ पे भी वहाँ पे भी जो कोड लिखता हूँ मैं क्लास के दौरान वो सब लोगों के लिए फ्री होता है कोड, तो एक ऐसी जगह है सोशल मीडिया है एक तरह से डेवलपर्स का, तो यहाँ पे लोग अपने कोड शेयर करते हैं एक दूसरे के कोड पे कॉमेंट करते हैं लाइक शेयर करते हैं उसको, ठीक है जी, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे हो रही होती हैं। तो इस वक्त GitHub की या Git जो वर्जन कंट्रोलिंग सिस्टम भी कहते हैं इसको, इसको हम थोड़ा सा मजीद इसका डीप ओवरव्यू लेंगे, अभी हम इतना इसको ऊपर ऊपर से देख रहे हैं थोड़ा, तो वो क्या होगा कि उसकी ऐसी ज़रूरत आ चुकी है कि एक डेवलपर के लिए ऐसा सोचना नामुमकिन है कि उसको Git नहीं आता होगा, ठीक है, किसी भी आप दुनिया की किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या किसी भी टेक्नोलॉजी पे अगर आप डेवलपमेंट कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपर हैं आप, तो आपके लिए ऐसा सोचना मुमकिन नहीं है
कि आपको गिटहब नहीं आता होगा या गिट नहीं आती होगी, ठीक है ना। आप किसी भी जगह पर जॉब के लिए जाएंगे या आप कहीं पे भी किसी टीम में काम करेंगे आप, तो वो लोग बाय डिफॉल्ट ये एज्यूम करते हैं कि आपको ये आता होगा, ठीक है। वो आपसे शायद ये सवाल ना पूछे कि आपको आता है या नहीं आता, तो एज्यूम करते हैं आपको आता होगा। अच्छा, और यहाँ तक तो मसला नहीं था कि चलो भाई ठीक है नहीं आता। मसला असल में यहाँ पर है कि अगर आपको गिटहब नहीं आता है तो वो समझते हैं कि यार ये कैसा डेवलपर है कि उसको गिटहब नहीं आता है, फिर वो समझते हैं ये डेवलपर ही नहीं है, वो समझते हैं ये ऐसा ही है कोई, ठीक है। तो इस जगह पे आके ना मामला क्रिटिकल हो जाता है। मतलब ऐसे आप किसी हेयर ड्रेसर के पास जाएं और वो आपसे बोले कि यार मुझे शेव नहीं बनानी आती है, तो ऐसे वाला सीन, ठीक है। या आप स्कूल जाएं, आप बोलें कि यार मैं तो बैग भूल आया अपना, जो बुक्स में भूल आया घर पे, तो ऐसी वाली बात हो जाएगी कि आप एक सॉफ्टवेयर डेवलपर हैं, आपको गिट कैसे नहीं आता है, तो इसका मतलब है आप सॉफ्टवेयर डेवलपर ही नहीं। तो इस वजह से हमें गिट सीखना बहुत ज़रूरी है इंटरनेशनल मार्केट में और लोकल मार्केट में, पाकिस्तान के अंदर और पाकिस्तान से बाहर सब जगहों पर लोग इसका इस्तेमाल बड़ी कसरत से कर रहे हैं। और इससे पहले भी कुछ सिस्टम्स थे लेकिन बट वो इतने फेमस नहीं थे, जैसे माइक्रोसॉफ्ट का एक था VCS पता नहीं करके कुछ नाम था उसका, तो वो था बट उसको लोग इतना, वो चूंकि मुश्किल भी बहुत था और बहुत शायद पैसे वैसे भी लेते थे वो बहुत, तो इसलिए उतना फेमस नहीं था। चूंकि गिटहब जैसे ही आया इसने बहुत आसान कर दिया सब चीज़ों को, डेवलपर फ्रेंडली कर दिया और इसके साथ जो आपका फ्री कर दिया, पब्लिक रिपोजिटरीज फ्री थी, अब तो प्राइवेट भी फ्री हो गई है क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट ने इसको ओन कर लिया, तो माइक्रोसॉफ्ट के पास पैसा बहुत है, वो कहता है ठीक है भाई फ्री में आप प्राइवेट रिपोजिटरीज भी बना सकते हैं, ठीक है जी। तो हमने क्या देखा कि अभी तक ये आपके गिटहब में अपलोड हो चुकी हैं फाइल्स। अब इसका पेज क्रिएट करने के लिए जो लोग सवाल पूछ रहे थे, प्लीज काइंडली गौर कीजिएगा, यहाँ पर सेटिंग का बटन मैंने प्रेस किया, सेटिंग का बटन प्रेस करने के बाद मैं पेजेस के ऑप्शन में गया और पेजेस के ऑप्शन में जाने के बाद यहाँ पे जो नन है इसको मैंने चेंज करके मेन कर दिया और मैंने सेव का बटन दबा दिया, दैट्स ऑल। खुद ही से लिंक यहाँ पे अपेयर हो गया आपके सामने जैसे ही मैंने सेव का बटन प्रेस किया, ठीक है जी। इस लिंक को मैं जैसे ही क्लिक करूँगा तो मेरे पास शुरू में थोड़ी देर तक मुझे ये वेबसाइट खुलकर नहीं मिलेगी, लेकिन थोड़ी ही देर बाद क्या होगा ये मुझे मिलना शुरू हो जाएगी, ठीक है। या अगर मैं फॉरन इंस्टेंट रिजल्ट चाह रहा हूँ, मैं /index.html यहाँ पे हाथ से भी लिख सकता हूँ, तो उससे क्या होगा मुझे इंस्टेंटली मिल जानी चाहिए ये वेबसाइट। क्या बकवास है, व्हाई इज नॉट ओपनिंग अप, इट्स नॉट ओपनिंग अप, इंडेक्स। मैं एक दफा अपनी फाइल का नाम चेक कर लेता हूँ कि मैंने नाम गलत तो नहीं लिख दिया कहीं, index.html img, नाम वगैरह सब कुछ सही है। चल गया, ठीक है, थोड़ा सा टाइम लगा इसको, मैं इसको क्लोज करके, दोनों पेजेस को क्लोज करके, इसको भी क्लोज करके दोबारा से सेटिंग में जाता हूँ, ठीक है। और दोबारा से क्या जाता हूँ मैं पेजेस में, और यहाँ पे जो लिंक आ रहा है उसको मैं क्लिक करता हूँ, और जैसे ही मैंने लिंक को क्लिक किया, देखिए अब ये पूरा पेज मुझे खुल के नज़र आ गया। इस लिंक को मैंने कॉपी किया और कॉपी करके इसको मैं कहाँ लगा देता हूँ, ये मेरी रिपोजिटरी है, रिपोजिटरी में ये अबाउट का सेक्शन आ रहा है, यहाँ पे मैंने सेटिंग का एक आइकन है छोटा सा, इसको क्लिक किया और यहाँ पे मैंने वेबसाइट की जगह पे इसको पेस्ट कर दिया, ठीक है जी। और पेस्ट करके इसको मैंने सेव कर दिया, सेव करके अब मुझे यहाँ पे हमेशा ये अपेयर होता रहेगा ताकि कोई भी बंदा मेरी इस रिपोजिटरी पे आए तो उसको साइड में फौरन दिख जाए कि अच्छा इस रिपोजिटरी की होस्टिंग भी हुई हुई है, तो यहाँ पे वो क्लिक करे उसको होस्टिंग नजर आ जाए, ठीक है जी। तो अब हमारे पास 10 मिनट बाकी हैं, इस 10 मिनट में सर सेव वाला स्टेप, सेव का बटन दबाया, सिंपल सेटिंग में गया, पेजेस में गया, पेजेस 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 में गया, इसको चेंज करके मेन किया और मेन करके सेव का बटन दबा दिया, बस ये खुद ही से लिंक निकल कर आ गया, ठीक है, दैट सिंपल। अच्छा, अब इस पॉइंट पे मैं आपको क्या देना चाहूँगा
एक अदर वीडियो आपको मैं भेजना चाहूँगा youtube.com/get smartkit, ये है वो वीडियो, इसका पार्ट वन, ठीक है जी, और ये है इसका पार्ट टू। पहले ऐड दिखा रहे हैं ये, इसको मैं कहाँ पे शेयर कर देता हूँ, इसको मैं शेयर कर रहा हूँ आपके ग्रुप में, ठीक है जी। ये मैंने पार्ट वन शेयर कर दिया। अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ जी, पार्ट, ठीक है जी, ये मैंने कॉपी किया एक और लिंक, ओके, इसमें क्या लगा हुआ है, यहाँ पे पार्ट टू का भी लिंक शेयर कर दिया, ठीक है जी। तो ये दो वीडियो मैंने आपके व्हाट्सएप के ग्रुप में शेयर किया है अभी अभी, वो दोनों वीडियो जो है, ये दोनों तकरीबन कोई 20-20 मिनट की दो वीडियोस हैं जो 2 साल पहले की रिकॉर्ड हुई हुई है। इसमें काफ़ी ब्रीफली इस बात पर डिस्कशन हुई हुई है कि गिट को और गिट हब को कैसे इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो आप सब लोगों से गुजारिश है कि प्लीज़ उस वीडियो को आप देखें, ठीक है जी, और उस वीडियो को देखने के बाद गिट और गिट हब, इन दोनों पे आपका जो है ना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए ग्रिप, ठीक है। हम जितने भी प्रोजेक्ट्स इस यहाँ पर बनाएंगे, वो सारे प्रोजेक्ट्स आपके गिट पे अपलोड होने चाहिए गिटहब में, ठीक है। और साथ साथ जो जाहिर है छोटे छोटे टास्क बनाएंगे वो होस्टेड भी होने चाहिए, उसका ऐसा वाला होस्टेड लिंक मुझे चाहिए, ठीक है। तो हम डिस्कस कर लेते हैं सबसे आखिर में कि हमारा आज का टास्क क्या है, उसके बाद फिर हम, सर एक क्वेश्चन था मेरा जी, अभी लेता हूँ, अभी क्वेश्चन लेता हूँ। अच्छा अच्छा, तो आज का जो टास्क है हमारा वो एक दफा दोबारा से समझ लेते हैं कि सबसे पहले आपको क्या बनाना है, वो मार्कअप्स जो हमने देखे थे उसका भी लिंक मैं आपको भेज चुका हूँ, मैं व्हाट्सएप के ग्रुप में वो दोबारा भी भेज दूंगा लिंक, वो मार्कअप सारे एक्सप्लोर करने हैं, ठीक है। अच्छा, कौन कौन से मार्कअप एक्सप्लोर करने हैं जो आपको सीवी बनाने के काम है, सीवी के अंदर जो जो मार्कअप्स इस्तेमाल हो सकते हैं वो आपको, अच्छा बहुत ज्यादा कोई फैंसी किस्म की सीवी आपको नहीं बनानी है, नॉर्मल सी एक जो एमएस वर्ल्ड के डॉक्यूमेंट में सिंपल मार्कअप्स के जरिए, उसमें कलर्स वगैरह ज्यादा हमें रिक्वायर्ड नहीं है, उसके जरिए आपको एक मार्कअप के जरिए सीवी बनानी है। अच्छा, वही आपको सिर्फ मार्कअप एक्सप्लोर करने हैं, उसमें बहुत सारे एक्स्ट्रा मार्कअप्स हैं, उन सबको एक्सप्लोर करने की जरूरत नहीं है, एक्स्ट्रा टाइम लगाने की जरूरत नहीं है। नंबर एक काम ये हो गया। नंबर दो काम, उस प्रोजेक्ट को आपको गिटहब में अपलोड करके उसको क्या करना है, होस्ट करना है, ठीक है। और उसका लिंक आपको शेयर करना है, आपको एक गूगल फॉर्म बना के दे दिया जाएगा आज रात तक या कल सुबह तक, आपको एक गूगल फॉर्म बना के दे दिया जाएगा, आप सब लोग अपनी जो प्रोजेक्ट की सबमिशन है वो उसमें करेंगे अपना, आप देखेंगे वो फॉर्म किस तरह बनता है, मोस्ट प्रोबेबली आपका नाम होगा या आपका रोल नंबर होगा, अभी तक आप लोगों को बाय द वे रोल नंबर असाइन नहीं किया गया, अभी वो लिस्ट तैयार हो रही है, आज रात तक वो इंशाल्लाह या कल सुबह तक वो तैयार हो जाएगी, तो आप सब लोगों को रोल नंबर भी असाइन कर दिया जाएगा, फिर आप अपना नाम जो है ना उसकी जगह पे आप अपना रोल नंबर लिखा करेंगे ताकि आपकी अटेंडेंस वगैरह हो सके। अभी तक आपकी अटेंडेंस लेने में काफ़ी दुश्वारी का सामना हो रहा है, तो एक बार आपका रोल नंबर आ जाएगा तो आपकी अटेंडेंस बड़ी आसानी से होती रहेगी, तो ठीक है जी। तो नंबर तीन काम क्या करना है आपको, जो गेट की वीडियोज आपको दी गई हैं वो आपको देखनी है, ठीक है, और उसको देखकर उसकी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है जी। अच्छा, फिर जब अगली क्लास हमारी होगी तो मैं आपके सामने गिट इस्तेमाल करूंगा यहाँ, ठीक है, जो भी मैं कोड लिखता हूँ उसमें मैं गिट इस्तेमाल करूंगा, तो आप जब वो वीडियो एक दफा देख लेंगे तो आपको ये बात समझ आ जाएगी कि गिट का इस्तेमाल कैसे होता है, ठीक है, और फ्यूचर में आपको गिट गिटहब में चीजें अपलोड करने में आसानी रहेगी, ठीक है जी।
तो ये तीन आपको काम करने हैं। अच्छा, पहला जो दो काम है वो तो आपके लिए जरूरी है कि आप अगली क्लास से पहले पहले लाजमी कर लें। वीडियो देखने वाला काम अगर आपसे इस वीक नहीं हो पाया तो नो प्रॉब्लम, आप अगले वीक भी दे सकते हैं, कोई मसला नहीं है, ठीक है। बट वो वीडियो देखनी जरूर है, आपको लाजमी देखनी है। और जो लोग नहीं उसको देख पाएंगे या जो लोग गेट से अपने आप को यूज टू नहीं कर पाएंगे, मोस्ट प्रॉब्ली के 2-4 वीक बाद या 5 वीक बाद जो क्लास में मैं गिट का इस्तेमाल जब करूंगा तो उनको शायद समझ में ना आए जी इसके सर ये क्या कर रहे हैं। ठीक है जी, तो अब हम अपनी क्लास का यहाँ पे हम इख्तिताम से पहले एक क्वेश्चन कोई पूछ रहा था जी, प्लीज पूछ सकते हैं क्वेश्चन आप। सर क्लियर हो गया। अच्छा, क्लियर हो गया क्वेश्चन आपका, वेरी गुड। अच्छा, तो अब मैं इस क्लास को यहाँ पे खत्म करने लगा हूँ, किसी और का कोई सवाल अगर है तो वो प्लीज पूछ ले। सर एक और सवाल था मेरा कि जो आपने असाइनमेंट्स दिए उनको एक दफा रिपीट कर दें। नंबर एक, सबसे पहले मार्कअप्स को एक्सप्लोर करना है। अच्छा, नंबर से एक सबसे पहले तो जो मैंने आज क्लास में एक कोड लिखवाया था ना, इनपुट लेने का तरीका, जाहिर है उसको भी आप चला के देखेंगे। बहुत सारे लोगों ने क्लास के दौरान ही चला के देख लिया, अगर आपने वो नहीं चलाया तो आपको वो चला कर देखना है अपने पास सबसे पहले, ठीक है। नंबर दो, आपको मार्कअप्स एक्सप्लोर करने हैं, उसके जरिए सीवी बनानी है, सीवी को अपलोड करना है, उसको होस्ट करना है, उसका लिंक निकालना है ऐसा वाला, और लिंक को गूगल फॉर्म के जरिए आपकी असाइनमेंट की सबमिशन होगी उसके जरिए उसको सबमिट करना है, ठीक है। तो ये आपका सबसे पहला असाइनमेंट हो गया। नंबर दो, आपको जो वीडियोस दी गई हैं वो देखनी है वीडियोस आपको, ठीक है जी। आप ये वीडियो की रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगी तो आप बाद में भी देख सकते हैं, अगर आप कोई भूल जाए कि असाइनमेंट क्या है तो आप बाद में भी देख सकते हैं। अच्छा जी, किसी एक का मैसेज है, सर गिटहब पर कोड ऐड कर दें। जी मैं बिल्कुल गिटहब में, मेरे पास, अच्छा जी, टुडेज कोड, ठीक है जी, गिटहब में अपलोड हो गया, ठीक है जी। तो कितना आसान है कोड शेयर करना, आप देखें मैंने क्या किया अभी, मुझे मुश्किल से 3 से 4 सेकंड लगे होंगे मेरा कोड गिटहब पे शेयर हो गया। अब आप जाकर देखेंगे यहाँ पे तो मेरा कोड आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा, ठीक है जी। चैटबॉट ऑनलाइन 15 सेकंडों को अपडेट हुआ है, 3 और 3 भी दोनों आ गया। तो ये कोड शेयर करने में आप देखें कितना क्विकली शेयर हुआ है और कितना सेफली शेयर हुआ है। सेफ का मतलब ये, अगर मैं यूएसबी वगैरह के जरिए करता या गूगल ड्राइव के जरिए करता तो वो सेफ नहीं है, ठीक है ना, वो सेफ इस वजह से नहीं है, उसके जरिए वायरसेस वगैरह ये चीजें आना जाना कर सकती हैं। फिर अगर किसी का कोड अगर ऊपर नीचे हो गया तो बहुत प्रॉब्लम होती है। ऑन अदर हैंड इसमें क्या होता है, एक एक लाइन की ट्रैक होती है, कौन सी लाइन आप ऐड कर रहे हैं तो आप उस पूरी लाइन को कोड को देख सकते हैं। तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि गिटहब के जरिए या गिट के जरिए वायरस वगैरह ट्रांसफर हो जाए, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। और दूसरा, अगर यूएसबी के जरिए आप कर रहे हैं तो वो यूएसबी गिर सकती है गलती से पिछले दिनों, बल्कि जैसे गूगल ड्राइव के जरिए आप कर रहे हैं तो उसमें भी काफी खतरा है। पिछले दिनों मेरे साथ क्या हुआ कि मैंने जो बुक्स थी मेरे पास सारी, जो मेरे बुक्स की कलेक्शन थी वो ड्रॉप बॉक्स में रखता था मैं, तो ड्रॉप बॉक्स में क्या किया हुआ था मैंने कि मेरे फोल्डर में से उसमें एक सिंक का ऑप्शन होता है, मैंने कहा कि अच्छा यहाँ पे क्या करो आप, ये मेरा फोल्डर है इसको आप सिंक करते रहो ड्रॉप बॉक्स में। तो मैं जब भी कोई नई बुक मेरे पास आती थी या कोई नई बुक मैं किसी से लेता था या परचेज करता था तो मैं उस फोल्डर में उसको डाल देता था, वो पूरा सिंक हो जाता था। अच्छा, फिर पिछले दिनों जो ये वाला लैपटॉप है मेरा, जब मैंने ये खरीदा तो इसमें मैंने ड्रॉप बॉक्स इंस्टॉल किया, जब तो ड्रॉप बॉक्स को लगा कि इसमें वो फोल्डर नहीं है तो उसने ड्रॉप बॉक्स से भी उड़ा दिया उसको, बेहतरीन कर दिया उसने मेरे साथ, ठीक है। तो ड्रॉप बॉक्स को लगा कि अच्छा वो फोल्डर अब पीसी से डिलीट हो गया, तो उसने ड्रॉप बॉक्स से भी डिलीट कर दिया और लिटरली कोई ऑप्शन नहीं मिला मुझे अभी तक कि उसको मैं रिकवर कर सकूं, ठीक है। तो वो बुक सारी गई। तो फिर अल्टीमेटली मैंने क्या किया कि अपने दोस्तों को मैसेज किए, ठीक है, कि भाई मेरी जो बुक्स की कलेक्शन थी वो सारी खत्म हो गई है, तो अपनी अपनी बुक सारे लोग भेजो मुझे। तो मैंने वो फिर दोबारा से कलेक्ट की है सब लोगों से, मुझे स्पेसिफिक बुक चाहिए थी वो, मैंने सब लोगों को फोन किया तो मुझे वो मिल गई बुक अल्टीमेटली। तो अब आपको अगर मैं दिखाऊं कि मेरी रिपोजिटरीज के अंदर, तो रिपोजिटरीज और यहाँ पे बुक्स के नाम से एक रिपोजिटरी, 17 डेज अगो, 17 दिन पहले मैंने एक रिपोजिटरी यहाँ बना दी है और मैंने सारी बुक्स को यहाँ पे पुश कर दिया है, ठीक है, ताकि बुक्स के लूज होने का कोई सवाल ही पैदा ना हो। तो आप नोट कर रहे हैं कि सेफली सिक्योरली आपका कोड शेयर हो जाता है और बहुत इजी है इस्तेमाल करने में, बहुत आसान कर देता है सारी चीज़ों को, ठीक है जी। तो यहाँ पे हम अपनी क्लास का जो है अख्तिताम करते हैं।
एक सर सिर्फ ये था, किसी ने हमें पूछा था कि उनके पास GitHub का अकाउंट नहीं है, सो एसेंशियली यू विल हैव टू मेक अ GitHub अकाउंट इफ यू डोंट हैव वन ऑलरेडी एंड देन अपलोड द रेपो. सो जस्ट वांटेड टू क्लैरिफाई दैट. हाँ बिल्कुल, आप जो है ना फ्री अकाउंट बना सकते हैं बिल्कुल उसी तरह जैसे फेसबुक और गूगल पे और जीमेल पे आप अकाउंट बनाते हैं. आप GitHub पे सिंपली जाके साइन अप करेंगे, आपका अकाउंट बन जाएगा, कोई पैसे नहीं लगेंगे आपके. ठीक है जी, एक मैसेज और है चैट पे. सर zlib.org इज अ गुड सोर्स, व्हाट इज दैट? It's a book ka website, b-ok.cc, and zlib is the same thing. It essentially allows you to download all the books on the planet. Okay, okay. That's great. Achha, iska mujhe nahi pata tha ke aap koi si bhi book aise free mein download kar sakte hain jo paison wali hai. Exactly, exactly. Aapko is pe EPUB mil jata hai, PDF mil jata hai, jo bhi. Oh, achha, achha, achha. Thank you so much for sharing, yaar. मैं अब मुझे कोई बुक चाहिए होगी तो मैं यहाँ से ट्राई करूँगा कि मुझे मिल जाए. फाइव बुक्स पर डे की लिमिट है, दैट्स ग्रेट. इफ यू साइन अप देन यू हैव 20 बुक्स पर डे, सो इट्स अ सब्सटेंशियल अमाउंट लाइक पर डे. इवन इफ यू आर डाउनलोडिंग 5 बुक्स यू आर गुड, बट इफ यू हैव एन अकाउंट यू कैन डू 20 टू 25 आई थिंक, व्हिच इज आल्सो सॉलिड. नहीं बड़ी, अगर वो पूरे मंथ में भी अगर एक बुक भी दे ना तो वर्थ है उसकी, क्योंकि exactly. Exactly. It's for free. It's knowledge for free. So it's amazing. I told you. तो आपको जैसे जावास्क्रिप्ट की कोई बुक अब चाहिए या कोई वॉइस एप्लीकेशन की बुक चाहिए, अब वो मार्केट में $30-$40 की है, तो वो $30-$40 इज अ बिग अमाउंट ना. मतलब जैसे पाकिस्तान में कितने बन जाएंगे वो $30 काइंड ऑफ 5,000 बन जाएंगे, इस तरह कुछ बनेंगे. तो 5,000 इज अमाउंट के, बल्कि मैं करता हूँ ना इसको $40 6,800. तो 6,800 अमाउंट है, मैं आपको ऐसे बताऊँ ना कि जैसे हम दो लोग लंच करने बैठते हैं कहीं पे अच्छी जगह पे, तो वहाँ पे मैक्सिमम 2,000 से ज़्यादा का बिल नहीं बनता दो लोगों का. तो काइंड ऑफ 6,800 काइंड ऑफ 3 लंच के पैसे. तो अगर कोई वेबसाइट आपके मंथ में भी आपको एक फ्री दे रही है तो उसके अच्छे खासे पैसे बचा रही है, और खासतौर पर स्टूडेंट्स के लिए जिनके पास इतना ज्यादा अमाउंट नहीं होता है बुक्स वगैरह खरीदने के लिए. और समटाइम आपको कई बुक्स खरीदनी पड़ सकती है, ऐसा नहीं है कि एक बुक आपने खरीदी और उससे आपका काम. खैर अब तो इंटरनेट का दौर है, यूट्यूब भी है, बहुत सारी चीज़ें अब तो काफ़ी फैसिलिटी हो गई है. तो ठीक है जी, इसी के साथ हम आज की क्लास का अख्ताम करते हैं और आपसे मुलाकात रहेगी अगली क्लास में. उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग असाइनमेंट बना लेंगे टाइम पे और उसको सबमिट करवा देंगे. थैंक यू सो मच. थैंक्स, बाय.